नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत करते हैं हम आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है सुमित राठी कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूं सबके सब बहुत अच्छे हैं ठीक है थीके? माफी चाहेंगे थोड़ी देर के लिए यार थोड़ा सा काम आज लंबा हो गया था ठीक है पीपीडी थोड़ी बड़ी बनी है और उसी के चक्कर में थोड़ा सा इस वजह से डिले हो गया माफी चाहता हूँ मैं सो शुरुआत करते हैं बिना फर्दर किसी देरी के दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर डेली करंट अफेयर आप लोगों के साथ में आज तारीख है सत्ताईस सितंबर मैं हूं आपके साथ और आप हैं मेरे साथ और हम हैं दोनों एक साथ और हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर की क्लास ये अपना टेलीग्राम चैनल है दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है आप इस टेलीग्राम हैंडल के साथ मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं अच्छा कल आपने देखा होगा मुझे एक बार बताना टेलीग्राम के ऊपर में हमने शेयर करना स्टार्ट किया है ठीक है माइंड मैप आपने देखा हो तो टेलीग्राम के ऊपर तो माइंड मैप हम कल से सारी न्यूज का शेयर कर रहे हैं मतलब कल मैंने एक आपको रखा था ठीक है इंडिया और उसका रखा था फिलीपींस के ऊपर सॉरी इंडिया फिलिम का चाइना और फिलीपींस का जो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है उसके ऊपर रखा था आप एक बार उसको देख के मुझे बताना ठीक है कि कैसा रहेगा उस प्रकार से हम हर एक उसका आपको माइंड मैप प्रोवाइड कर सकते हैं डेली बेसिस पे ना वी कैन प्रोवाइड यू द माइंड मैप्स हर एक उसके ऊपर माइंड मैप्स आपको मिल सकते हैं तो आप उसके बारे में मुझे बताना आप क्या सोचते हैं ठीक है अगर माइंड मैप्स अब मिलें तो कैसा है किस प्रकार से रहेगा है ना प्लीज लेट मी नो एक बार मुझे बताइएगा कि वो कैसा रहेगा ठीक है फिर उसी हिसाब से हम देखते हैं अगर माइंड मैप अच्छा है बेस्ट है तो फिर मैं आपको पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता रहेगा मुझे बीच बीच में जैसे मेरे पास टाइम होगा ना मैं तुरंत आपके पास में शेयर करता रहूँगा ये हमारा जो है इंस्टाग्राम चैनल है सुमित डॉट राठी ज़ीरो थ्री तो दोस्तों यहाँ पर भी आप मेरे साथ जुड़ जाइए ठीक है इसी के साथ में हम दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि ये जो माइंड मैप वाली चीज़ है ना इसके लिए एक अलग से अपना इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बना दिया जाए टेलीग्राम पे तो है ही जो बच्चा जहाँ पे है वो एक्सेस कर पाए ठीक है दोनों को ऑप्शन मिल जाएगा आज का जो पहला टॉपिक है लेट्स टॉक अबाउट दिस आज की बात हम करेंगे दोस्तों जियो स्पेशल इंटेलिजेंस है वट इज दिस जियो स्पेशल इंटेलिजेंस देखो आज अगर हम देखें दोस्तों दुनिया भर का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है धरती के बारे में अर्थ के बारे में किसी पर्टिकुलर लोकेशंस के बारे में हम आज दुनिया भर का डेटा कलेक्ट करते हैं आज आधुनिक समय है दोस्तों मॉडर्न टाइम है और इस मॉडर्न टाइम में हर एक चीज ना लोकेशन से चलती है आज अब अगर आप देखते हो ना तो आप रिसेंट एक फीचर आया कि अगर आप पेमेंट भी करते हो ना पेमेंट करते हो तो भी उसमें आता है कि क्या आप अपनी लोकेशन से एड करना चाहेंगे कि आपने कहां से पेमेंट किया है किस जगह से किस कोऑर्डिनेट से आपने पे, पेमेंट किया है आप समझ रहे हो आज का जो इंडस्ट्री है उसके अंदर में इसको हम कह रहे हैं लोकेशन बेस्ड इंडस्ट्री पूरा का पूरा काम लोकेशन के आधार पर होता है हर चीज के अंदर में आपकी लोकेशन की जरूरत होती है आज बहुत सारे ऐसे डेटा डिवाइस है जो लगातार ये जो लोकेशन बेस्ड जो जानकारी है वो इकट्ठा करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं उसी को हम दोस्तों आपका जियो स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं अब कह रहा हैं कि ये जो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत बड़ी एक ये मार्केट है आने वाले टाइम पे और बहुत बड़ा इसका इस्तेमाल हो सकता है क्या हो, हो सकता है जैसे डिजास्टर अगर कोई आने वाला है तो आप उसके बारे में पहले बता सकते हो हीट हीटवेव वगैरह कोई आने वाली है तो पहले बता सकते हो मौसम के बारे में जानकारी जो है वो आप दे सकते हो अगर किसी एरिया के अंदर साइक्लोन आ गया है कहीं फ्लड आ गया है तो किस प्रकार से वहाँ पे रिलीफ वर्क सहायता वर्क करना है वो आप कर सकते हो तो इसके मल्टीपल फायदे हैं ठीक है ठेके? किसके दोस्तों आपके जियो स्पेशल इंटेलिजेंस के इसीलिए टॉपिक आया हुआ है द हिंदू में जियो स्पेशल इंटेलिजेंस क्या है अ जियोग्राफर एक्सप्लेन द पावरफुल पावरफुल मेल्डिंग ऑफ़ मैप्स एंड डेटा पहले तो समझो आपको जियो स्पेशल का मतलब क्या होता है जियो स्पेशल ऑल्सो मीनस जियो डेटा इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों जियो डेटा इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी चीज को धरती पर किसी लोकेशन के साथ पिन कर रहे हो ठीक है जैसे मैप में देखते हैं ना भाई अगर आप सर्च करते हो फ्यूल स्टेशन नियर मी भाई मेरे नज़दीक कोई तेल जहाँ से भी मिलता हो ऐसे हम सर्च करते हैं मैप पे अगर आप देखा हो तो आपने जिम नियर मी ऐसे हम गूगल पे या मैप पे डाल के सर्च करते हैं तो फिर उसमें जीपीएस और जो डेटा उस पर ऐड किया गया है लोकेशन बेस्ड डेटा जिसको हम बोलते हैं जियो स्पेशल डेटा उसके आधार पर आपको पता चल जाता है तो जियो स्पेशल डेटा क्या है कोई भी डेटा जिसको हमने लोकेशन के साथ में एम्बेड किया हुआ है लोकेशन के साथ में कनेक्ट किया हुआ है उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ में हमने ऐड किया उसको बोलते हैं हैं इंटेलिजेंस या जियो डेटा हम उसको कहते तो चलिए आप बात करते हैं इसको तो कह रहा है इंटेलिजेंस इज द कलेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डेटा फ्रॉम अ नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग सैटेलाइट मोबाइल सेंसर ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन एंड एरियल इमेज अब इस पूरी जियो स्पेशल इंटेलिजेंस को क्या कहेंगे सर देखो हम बहुत जगहों से डेटा गैदर कर रहे हैं दोस्तों और ये सारा का डेटा सारे डेटा का जब हम एक नेटवर्क बना देंगे ठीक है ये सारे डेटा का झीका एक नेटवर्क हम बना देते हैं सारी टेक्नोलॉजीज का जिसमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी मोबाइल टेक्नोलॉजी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन एरियल इमेज सारी आ जाती है तो उसी को हम जियो स्पेशल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं ठीक है जोग्राफी की क्लास हो तो रही अर्शिता अर्षिता एन हम करते तो हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों जीएस पेपर तीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ठीक है हर्षिता आज ही आई हैं आप और आज आके तुरंत आपने फरमान सुना दिया है ना एन की क्लास हो रही है आप देखो तो सही ज्योग्राफी एनसीआरटी इलेवेंथ क्लास हम कर रहे हैं जियो स्पेशल इंटेलिजेंस हैज ऑफर्ड वैल्यूएबल इन टू हेल्प गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि बहुत जबरदस्त चीज़ है जियो स्पेशल इंटेलिजेंस अब देखो दो चीजें हैं यहाँ पे पहली बात तो है जियो स्पेशल इसको समझना पड़ेगा ये क्या होता है सर दिस इज नथिंग इसको हम कह रहे हैं हम जियो डेटा जियो डेटा मतलब क्या है सर किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन को जब आपने उसके स्थान के साथ कनेक्ट कर दिया एम्बेड कर दिया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ उसको जोड़ दिया तो वो जियो डेटा बन गया भाई कहीं की दुकान है वो दुकान को आपने एक लोकेशन के साथ में पिन कर दिया कि भाई ये दुकान की ये लोकेशन है अब मैप पे आप उसको ढूंढ सकते हो दैट इज नोन ए जियो डेटा अब ऐसा बहुत सारा डेटा होता है हमारे पास सैटेलाइट अपना डेटा गैदर कर रही है मोबाइल सेंसर अपना डेटा गैदर कर रहे हैं ना उनमें भी जीपीएस पी एनेबल्ड सिस्टम होता है तो वो अपना कर रहे हैं है ना तो ये सारे डेटा को जब आप इकट्ठा कर देते हो तो उसी को बोलते हैं उसके इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं जियो स्पेशल इंटेलिजेंस अब कह रहा है इससे भैया जो गवर्नमेंट है और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है उनको बहुत मदद मिल सकती है इनके माध्यम से हम वाइल्ड फायर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वाइल्ड फायर मतलब कहीं आग वाग लग जाए उसको ठीक है साथ साथ में दोस्तों हम इनकी मदद से कोई फ्लड आई है बाढ़ आई है ठीक है कोई बहुत तगड़ा हरिकेन या साइक्लोन आया है तो उनको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों उसमें हम इससे एक वैल्यूएबल इंसाइट ले सकते हैं भूस्थानिक हिंदी में बोलते हैं जियो स्पेशल इंटेलिजेंस को भूस्थानिक ने सरकार और संगठनों को समुदायों को जंगल की आग ऐतिहासिक बाढ़ शक्तिशाली तूफान से बचने में मदद करने के लिए बहुमूल्य प्रदान की है है अब क्या होता अंतर दृष्टि इंटेलिजेंस देखो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस मैंने अभी बताया कम्बिनेशन ऑफ द जियो डेटा ठीक है जो अलग अलग जगह से हमें मिल रहा है उसको मिला देते हैं तो ये कह रहा है कलेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डेटा फ्रॉम अ नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें सैटेलाइट मोबाइल सेंसर ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और एरियल इमेज आता है तो भूस्थानिक बुद्धिमता उपग्रहों मोबाइल सेंसर ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और हवाई छवियों सहित प्रौद्योगिकियों के नेटवर्क से डेटा संग्रहण और उसका एकीकरण एक है आप देखो कितनी सारी सैटेलाइट हमने अंतरिक्ष में छोड़ रखी है सबका काम क्या है पृथ्वी को मॉनिटर करना पृथ्वी को ऑब्जर्व करना ऊपर से, कर से वो अर्थ को मॉनिटर कर रही है ऊपर से वो अर्थ को ऑब्जर्व कर रही है ना और उसका जो डेटा है वो हमारे ग्राउंड स्टेशन पर आ रहा है अब वो सारा डेटा और जो ग्राउंड के ऊपर में मोबाइल सेंसर हैं उनका डेटा जब एक साथ मिलता है उसको हम कंबाइंड करते हैं उसी को तो हम जियो स्पेशल इंटेलिजेंस कह रहे मेरी बात समझ में आ रही है दो चीज़ है जियो स्पेशल इंटेलिजेंस में भूस्थानिक डेटा में दो बातें हैं जियो स्पेशल को हम कहते हैं दोस्तों आपका जियो डेटा तो जियो डेटा मतलब किसी भी चीज का डेटा जब आप उसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ में बताते हो तो उसको जियो स्पेशल डेटा या जियो डेटा कहते हैं साथ साथ इंटेलिजेंस का मतलब है कि ऐसी सारी जानकारी को आप एक जगह इकट्ठा कर दो है ना जैसे सैटेलाइट की जानकारी मोबाइल सेंसर से ग्राउंड कंट्रोल से स्टेशन एरियल इमेजेस इनको इकट्ठा कर दो आप तो उसको हमने क्या कह दिया दोस्तों आपका जियो स्पेशल इंटेलिजेंस ये जो डेटा है ना दोस्तों इससे कह रहा है कि रियल टाइम मैप प्रोड्यूस किए जा सकते हैं ठीक है जिससे हम देख सकते हैं कि कहाँ पर किस हिसाब का थ्रेट है किस हिसाब का खतरा है दोस्तों जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं दोस्तों और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या जो हेल्प करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो सब इनकी जानकारियों का इस्तेमाल कर सकती हैं और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकती हैं दोस्तों अब इस जियो इंफॉर्मेशन जियो स्पेशल आपका जो इंटेलिजेंस है यानी कि जीआई है जैसे एआई होता है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे जीआई है जियो स्पेशल इंटेलिजेंस इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं तो पहला करते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जी आएस. ठीक है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सेम वही बात होता है मैंने जियो डेटा किसी जगह का लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ डेटा इसी प्रकार जीपीएस जीपीएस जानते हो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस पी है ना उसके अलावा रिमोट सेंसिंग फॉर जियोग्राफिक मैपिंग एंड एनालिसिस ऑफ जियो स्पेशल डेटा रिमोट सेंसिंग क्या होती है दोस्तों अंतरिक्ष के अंदर हमने बहुत सारी रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट दे रखी है तो वो क्या करती है अंतरिक्ष में से सेंस करती है कि नीचे क्या चल रहा है और वो डेटा जो है वो ग्राउंड स्टेशन को भेजा जाता है तो इन चीजों तीनों चीजों को कंबाइंड करके हम किसमें यूज करते हैं दोस्तों आपका जीआई में जियो स्पेशल इंटेलिजेंस में हम इस्तेमाल करते हैं तो भूस्थानिक प्रौद्योगिकी में ऐसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है जैसे आपका जी भौगोलिक सूचना प्रणाली ठीक है दूसरा है जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और भौगोलिक मानचित्रण और डेटा के विश्लेषण के लिए रिमोट सेंसिंग ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती है जीआई के अंदर में अब समझते हैं सर इसकी एप्लीकेशन क्या है देखो यार कोई भी इमरजेंसी आ जाए कोई भी इमरजेंसी आए तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के अंदर में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक है जैसे साइक्लोन आ गया कोई हरिकेन आ गया है ना तो किस प्रकार से हम उस इमरजेंसी के अंदर निपटेंगे किसी चक्रवात या किसी तूफान से हम आपातकालीन तैयारी कैसे करेंगे हम किस प्रकार से उस आपातकाल से या उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमारे पास जो संसाधन है उनका कुशलता पूर्वण उनको हम किस प्रकार से आवंटित करेंगे हम किस प्रकार से समय पर तूफान की चेतावनी जारी करेंगे है ना बताएंगे भाई टाइमली हम जारी करेंगे टाइमली बताएंगे सबको कि भाई स्ट्रॉन्ग वार्निंग है तूफान आने वाला है तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों इसी को हम जियोस्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं इसके अलावा एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कैन बी डन बाय टैकलिंग क्लाइमेट रिलेटेड वेरिएबल्स जैसे टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन एंड आइस ऑफ आइस टू एंटीसपेड एंड प्रिपेयर ये क्या कह रहा है ये कह रहा है

तो भैया एप्लीकेशन सबसे पहले इमरजेंसी प्रिपेयरनेस किसी भी आपातकालीन तैयारी से के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं दूसरा हम एनवायरमेंट को मॉनिटर करते हैं तो हमारे जो क्लाइमेट रिलेटेड वेरिएबल्स है जैसे तापमान कितना चल रहा है कितनी बर्फ़ जो है गिरने वाली है कितना एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस जो है वो देखने को मिलेगा हीट वेव क्या है फ्लड कहाँ केस कहाँ है पोलर पे कहाँ पोलर एरिया में कितनी ये सारी चीज़ें हमें इससे पता लग जाएगी ठीक है तो भूस्थानिक बुद्धि जो है हमारे जियो स्पेशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वी कैन गेट ऑल दीज थिंग्स अभी रिसेंट अगर देखोगे तो रशिया और यूक्रेन के वॉर के अंदर देख लो आप वहां पर भी जियो स्पेशल इंटेलिजेंस ने अपना कमाल दिखाया दोस्तों ठीक है इसके अलावा आप ट्रांसपोर्टेशन में लॉजिस्टिक्स के अंदर ग्लोबल सप्लाई चेन में अब देखो एनवायरमेंट में इसका इस्तेमाल हो रहा है वेदर फोरकास्टिंग के लिए प्रोडिक्शन के लिए एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में इसका इस्तेमाल हो रहा है युद्ध में इसका इस्तेमाल हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका इस्तेमाल बच किया गया ठीक है मतलब इससे कुछ बचता कुछ नहीं है भैया सब कुछ हो रहा है दोस्तों अब एक एग्जाम्पल भी दिया है जैसे ग्लोबल इकोनॉमी रन बाय जीपीएस पी जीपीएस तो आपको पता ही है ग्लोबल पोजिशन सिस्टम इसका तो इस्तेमाल करते हैं अब जियो स्पेशल इंटेलिजेंस जो है ना दोस्तों इससे जो ऑटोनोमस व्हीकल्स होते हैं ऑटोनोमस व्हीकल मतलब जो अपने आप चलते हैं सेल्फ ड्राइव टेस्ला की सेल्फ ड्राइव कार कैसे काम करती है वो बताओ कैसे काम करती है बिकॉज ऑफ दिस जियो स्पेशल इंटेलिजेंस इसी से काम करती है वो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस जो है इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल ट्विंस डिजिटल ट्विन्स क्या होता है बताओ कोई भी फिजिकल चीज है मैं हूं अब मान के चलो मेरे पे कल को लोड ज़्यादा आता है ठीक है अब हर टाइम मेरी रिक्वायरमेंट है अब मैं एक जगह पे मान लो मैं एक संस्था का हिस्सा हूँ और भाई मेरी जगह मेरी कई जगह एक टाइम पर जरूरत होती है तो हर जगह तो नहीं हो सकता ना मैं तो इसीलिए मेरा डिजिटल ट्विंस बना दिया जाता है ठीक है क्या बना दिया जाता है डिजिटल ट्विंस वो जो डिजिटल ट्विंस होता है दोस्तों वो डिजिटी डिजिटली मतलब एक डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट कर दी जाती है उस व्यक्ति को उसको बोलते हैं डिजिटल ट्विंस मतलब आप ही हो आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट कर दी जाए तो उसको बोलते हैं डिजिटल ट्विंस अभी किसी भी ऑब्जेक्ट की हो सकती है किसी भी आदमी की हो सकती है किसी चीज की भी हो सकती है तो डिजिटल ट्विन समझ में आया तो भाई इसका इस्तेमाल आजकल डिजिटल है। है? मिलिट्री का तो हो, हो सर्विसेज के अंदर अब इंडिया में जियो स्पेशल सेक्टर की क्या बात है दोस्तों भारत में भी जियो स्पेशल सेक्टर जो है वो लीप एंड बाउंड से क्या कर रहा है ग्रो कर रहा है रिसेंटली अभी दो के अंदर हमने एक नई पॉलिसी भी लेके आए थे हम जियो स्पेशल पॉलिसी तो इंडिया जो है दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत में तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में तगड़े प्लेयर है इंटेलिजेंस के अंदर में जैसे हमारा सर्वे ऑफ इंडिया ये वो है जो मैप तैयार करता है दोस्तों दे आर द की प्लेयर भारत का जो जियो स्पेशल सेक्टर है ना भूस्थानिक क्षेत्र है उसमें पहला है आपका क्या सर्वे ऑफ इंडिया अब देखो ये कंटेंट आपको चाहिए होगा मेरे को तो पता है मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगा खड़ा होकर यहीं पर ठीक है बट ये कई बच्चे सोचो कि यार आप तो सर इतना पढ़ रहा हो पढ़ना होता तो हम ही नहीं पढ़ लेते बच्चों मैं एक बार बताता हूँ कहने में आसान लगती हैं चीज़ें बट आसान होती नहीं है ठीक है मुझे पता है कि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप एक साधारण मनुष्य नहीं हो कि बस सिर्फ देख रहा है उसको बस नॉलेज लेना है उसको ज्ञान लेना है कि वो देखते हैं क्या है जियो स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं कल को जाके आपको इस जो स्पेशल इंटेलिजेंस पे लिखना पड़ेगा तब आप क्या करोगे तो इसीलिए दोस्तों हमारा प्रयास है कि इन चीजों के माध्यम से आपको ये चीज मिल सके ठीक है ये आपको ये हमारा उद्देश्य है समझ रहे हो आप बात को तो भारत में कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है पहला है सर्वे ऑफ इंडिया दूसरा है दोस्तों इसरो इसरो के बारे में सबको पता है दोस्तों इसरो इज अ मेजर प्लेयर जो इंडिया में काम करता है फिर हमने इतनी सारी रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग समझते हो जो दूर से बिना छुए किसी चीज को रिमोटली सेंस करें जैसे आप कहीं खेल रहे हो मैं दूर से तुम्हें सेंस कर मैं आप पढ़ रहे हो मैं दूर से तुम्हें देख रहा हूं पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे तो दैट इज रिमोट सेंसिंग दूर से बिना पास जाए दूर से चीज को ऑब्जर्व करें दैट इज रिमोट सेंसिंग तो हमने बहुत सारे रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट छोड़ रखी है अब उन्हीं सेटेलाइट को मैनेज करने के लिए दोस्तों हमारा एप्लीकेशन सेंटर होता है ठीक है जिसको हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर ये भी इसमें इन्वॉल्व है और हमारा नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर एनआईसी तो कुल मिला के भारत के अंदर में एनआईसी ठीक है प्लस इसरो प्लस सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है इसके अलावा प्लस एक और बात करते हैं हम रिमोट सेंसिंग रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर ये चार लोग मिलकर ना भारत के अंदर में इंडिया के अंदर में जियो स्पेशल सेक्टर का निर्माण करते हैं सो दीज आर द लाइक सेक्टर ये वो हैं जो भारत का बुनियादी ढांचा भूस्थानिक का बुनियादी ढांचा निर्मित करते हैं दोस्तों भारतीय है, सर्वेक्षण भारतीय सर्वेक्षण उसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ये सारे के सारे जियो स्पेशल इंडिया का जियो स्पेशल सेक्टर जो है उसका निर्माण करते हैं दोस्तों दीज आर एक्सक्लूसिवली यूटिलाइज बाय द गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट अब इस डेटा को फिर हम इस्तेमाल भी करते हैं दोस्तों बताओ इस डेटा का इस्तेमाल दिखा देता हूं आपको कहां कहां हो रहा है डिफेंस के अंदर में आज भारत के अंदर में डिफेंस इंटेलिजेंस में इसका 14.5 परसेंट इस्तेमाल हो रहा है अर्बन डेवलपमेंट में ट्वेल्व पॉइंट नाइन थ्री बाकी यूटिलिटीज में इलेवन परसेंट ठीक है कलेबरेटिव कलेक्टिवली आज अगर हम बात करें तो थर्टी सेवन पॉइंट नाइन एट परसेंट जो है भारत के अंदर में तो टोटल अगर हम देखें तो ओवरऑल जियो स्पेशल मार्केट आजकल डेवलप हो चुके हैं ये डेटा भले ही याद मत रखो ठीक है दिस इज जस्ट एन रेफरेंस बट आपको पता रहना चाहिए कि भारत के अंदर में आज मिलिट्री अर्बन प्लानिंग अर्बन डेवलपमेंट ठीक है और बाकी यूटिलिटी बेस्ड सर्विसेज में ठीक है हर जगह आज हम जियो स्पेशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट इंडिया आज बहुत बड़ी मार्केट है जियो स्पेशल इंटेलिजेंस के लिए 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फ्रेश गाइडलाइन इशू की थी जियो स्पेशल सेक्टर के लिए भारत के अंदर में ठीक है ताकि भारत के अंदर में भैया लोकेशन बेस्ड इंडस्ट्री जो है उसके लिए नए रास्ते खुल सके 2021 की बात मैं कर रहा हूं नए क्योंकि देखो उससे पहले लोकेशन बेस्ड इंडस्ट्रीज आने जैसे ओला उबर ये सब किस पे काम करती है वैसे ही तो वही ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस उन्हीं चीजों पे तो काम करती है फूड डिलीवरी हो गया आजकल आप देखोगे सब कुछ ऑनलाइन है सब जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है ट्रांसपोर्ट हो गया सब तो ये चीजें बढ़ रही थी तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए दो के अंदर हमारे मंत्रालय ने हमारी मिनिस्ट्री ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी जारी की थी अब हम बात करते हैं दोस्तों नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी दो पिछले ही साल दोस्तों हमने एक पॉलिसी भी जारी की है किसके ऊपर दोस्तों जिसको हमने नाम दिया है नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 अभी जो नई जियो स्पेशल पॉलिसी है इट विल रिप्लेस द हमारी जो पुरानी नेशनल मैप पॉलिसी है ना 2005 की उसको इसने रिप्लेस कर दिया है इससे पहले हमारी एक और पॉलिसी थी बट उसका नाम था नेशनल मैप पॉलिसी ठीक है उसको रिप्लेस कर दिया उद्देश्य क्या है दोस्तों उद्देश्य यही है भैया जो हमारी लोकेशन सेंट्रिक इंडस्ट्री है ना हमारे उसके अंदर उसको मजबूत करे हमारी इंफॉर्मेशन इकोनॉमी को सपोर्ट करे इसका उद्देश्य सूचना अर्थव्यवस्था का समर्थन करना तथा साथ साथ स्थान केंद्रित उद्योग को और अधिक मजबूत करना यही हमारा उद्देश्य है हमारी राष्ट्रीय भू राजनीति भू नीति 2022 तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी टू थाउजेंड कि हमारे देश के अंदर में जो लोकेशन बेस्ड इंडस्ट्री है उसको मजबूत करना दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव समझ में आई बात ज गाइडलाइन फॉर अक्वायरिंग दोस प्रोड्यूसिंग जियो स्पेशल डेटा रिलेटेड सर्विस इंक्लूडिंग मैप इश्यूड बाई द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज इन फरवरी दो हजार इक्कीस अभी बताया मैंने अब ये सारा काम जो हो रहा है ठीक है इसमें बोला गया था कि ये सारी चीजों के लिए आपको जो मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है अभी मैंने पढ़ाया था ना आपको थोड़ी देर पहले बताया था दो हजार इक्कीस के अंदर उस गाइडलाइन के अंदर में सारा का सारा काम आपको करना है ठीक है विद द नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है दोस्तों कि हम जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए देखो कहाँ एस डी जी कहाँ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी तो जैसे आज ए आई चल रही है ना ऐसे ही अब जी आई जी आई चल रहा है लेकिन जी आई हो सकता है अभी उतना लोग जानते ना हो बट हो सकता है जी आई चीज जो टर्म है ये भी बहुत आगे जाए है ना द पॉलिसी एम्फेसिस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकली अवेलेबल लोकली रेलिवेंट मैप्स एंड जियो स्पेशल डेटा ठीक है ये हो गया हमारा अब ये जियो स्पेशल डेटा होता क्या है सिंपल मतलब, तो मैंने बताया भाई किसी, भी का, किसी स्थान किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप अर्थ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के टर्म्स में उसको अगर आप कर रहे हो दैट मीनस उसको लोकेशन की फॉर्म में अगर आप बता रहे हो तो वो हो गया जियो डेटा जियो स्पेशल डेटा जो है डिस्क्रिप्शन आप देखो डिस्क्रिप्शन किसका ऑफ एन इवेंट और अक्रेंस विद अ लोकेशन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ किसी भी चीज़ का किसी इवेंट को ठीक है किसी भी आप डिस्क्रिप्शन uh, को किसी भी अक्रेंस uh, को अगर आप धरती पे दिखाते हो सरफेस ऑफ अर्थ पे एज अ लोकेशन तो वो जियो डेटा कहलाता है ये लोकेशन स्टैटिक भी हो सकती है जैसे कहाँ पे भूकंप आया ठीक है कहाँ पे वाइल्ड फायर लगी कौन सी वनस्पति कहाँ पर है अब ये भी दिखाते हैं ना मैप पे मैपिंग बनाते हैं ना भाई मैपिंग पे करते हैं कि देखो यहाँ पर आपका हिमालय पर्वत है यहाँ पर ये है देखो यहाँ पे भूकंप आया है ये वो क्षेत्र है जहाँ भूकंप आता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है वो जियो डेटा है ठीक है वो जियो डेटा है समझ में आई बात दोस्तों अच्छा ये स्टैटिक भी हो सकता है और डायनामिक जैसे आदमी कोई चल रहा है उसको आपने मैप पर दिखाया है. दिखाते हैं ना मैप पे अरे मैप पे चलता हुआ दिखता है कि नहीं दिखता आजकल फूड डिलीवरी सर्विस है उनमें देखो स्विगी से मंगवाओ ड्राइवर को चलता हुआ दिखाते हैं दैट इज ऑल्सो जियो स्पेशल डेटा ठीक है वो क्या है जियो स्पेशल डेटा है आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट ठीक है ये बात मेरी समझ में आ रही है आपको ठीक है कोई बात नहीं मैं पूरी बात एक बार दोबारा से समझाता हूं आपको ठीक है एक बार जल्दी से पूरी बात दोबारा से देखते हैं जिनको नहीं समझ में आया जो अभी लेट आए हैं उनको भी पता चल जाएगा देखो समझिए अभी हुआ क्या है दोस्तों जियो स्पेशल इंटेलिजेंस के ऊपर आर्टिकल आया है कह रहा भैया जियो स्पेशल इंटेलिजेंस क्या है उसके बारे में बताएंगे और साथ साथ ये क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताएंगे यहां भी बताया है। तो इसमें बताया गया भाई जियो स्पेशल डेटा का इस्तेमाल होता है बहुत तगड़े तगड़े काम करने के लिए कहां पर कौन सा आग लगी कहां साइक्लोन आया कैसे उसको उसे निपटना है ठीक है चलना पड़ेगा <laughs> पता नहीं क्या इशू है कैमरा एक बार के लिए अपने आप बंद होता ही होता है यार <laughs> एक बार अपने आप बंद हो जाता है बट दोबारा चल जाता है अच्छी बात यह है एक बार जाता है बट तुरंत आ जाता है ठीक चलो एक बार बता देता हूं मैं जल्दी से बताता हूं है ना फिर इन्होंने कहा कि जियो स्पेशल इंटेलिजेंस होती क्या है तो भैया ये ऐसा है कि दुनिया भर की चीज़ें हमारे पास हैं जिनसे हम डेटा गैदर कर रहे हैं जब उस सारे डेटा को मिला देंगे सैटेलाइट का डेटा मोबाइल सेंसर का डेटा ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन का डेटा एरियल इमेज तो बन जाएगा हमारे पास जियो स्पेशल इंटेलिजेंस ये हमने बता दिया और इसका इस्तेमाल सरकार करती है अलग अलग संस्थाएं करती है अपने डिसीजन लेने के लिए आज जियो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर हम कई प्रकार के टूल इस्तेमाल करते हैं जैसे जी आई एस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जी पी एस ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम रिमोट सेंसिंग फॉर जियोग्राफिक मैपिंग एनालिसिस ठीक है ये सब मिलके सारा काम बनता है एप्लीकेशन हर जगह है सर एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग ठीक है उसके बाद में अगर हम बात करें मिलिट्री सर्विसेज जैसे रशिया और इसमें यूक्रेन में अभी हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में इसका इस्तेमाल होता है इसके अलावा अगर हम देखें तो जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती है वो भी इसी से चलती है भूस्थानिक बुद्धिमत्ता से ही चलती है इसके बाद ये डिजिटल ट्विनस बनाते हैं जिसका मिलिट्री के अंदर में बहुत तगड़ा इस्तेमाल होता है दोस्तों भारत के अंदर में जियो स्पेशल इंटेलिजेंस का एक तगड़ा पिलर है इंडिया में नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर इसरो सर्वे ऑफ इंडिया और रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर मिल भारत का जियो स्पेशल सेक्टर का निर्माण करते हैं दोस्तों ठीक है दो में भारत के अगर हम बात करें तो कई क्षेत्रों के अंदर में जियो स्पेशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों 2021 के अंदर में ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने जियो स्पेशल सेक्टर के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी प्रोटोकॉल जारी की थी दोस्तों जियो स्पेशल सेक्टर के लिए ये भी हमने पढ़ा फिर 2022 में हमने एक पूरी पॉलिसी बनाई है इसके लिए ठीक है जो पॉलिसी पुरानी नेशनल मैप पॉलिसी को रिप्लेस करेगी उद्देश्य क्या है भारत के अंदर में भारत की अर्थव्यवस्था को अभी जो वर्तमान की अर्थव्यवस्था है सूचना अर्थव्यवस्था ठीक है इन्फॉर्मेशन इकोनोमी उसको सपोर्ट करे और लोकेशन बेस्ड जो इंडस्ट्री भारत में काम कर रही है ठीक है उसको आगे ले जाए ये सब है ये हमने आप पढ़ाया आपको ठीक है हम चाहते हैं इसी के माध्यम से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करें है ना तो ये सारी बातें हैं जो हमने यहां पर डिस्कस की जी चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा सभी को अब बात करते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च अच्छा एक बार आपको पता है भारत के अंदर में जो स्वामित्व स्कीम है उसके अंदर में भी जियो स्पेशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है स्वामित्व स्कीम का मतलब समझते हो आप अरे जैसे भारत के अंदर में अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो पंचायती राज सिस्टम है उसके माध्यम से स्वामित्व स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है भारत के अंदर में लोगों के पास जमीन तो थी लेकिन उनका मालिकाना हक उनके पास नहीं था प्रॉपर मैपिंग नहीं थी वो अपनी एक जमीन थी उसको बो रहे थे लेकिन उस पर खेती कर रहे थे सब कर रहे थे बट उनके पास उसके अधिकार नहीं थे वो अधिकार एस्टैब्लिश करने के लिए स्वामित्व स्कीम लेके आई थी स्वामित्व स्कीम में क्या होता है प्रॉपर जमीन की मैपिंग होगी ड्रोन के द्वारा और उसके बाद उस व्यक्ति को जो उस पर रह रहा है उसको उसका मालिकाना अधिकार दे दिया जाएगा कागजों पर कागजों पर अधिकार की आवश्यकता क्यों है बताओ देखो जब आप एक इकोनॉमी में रह रहे हो तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है उसके लिए लोन लेना पड़ता है और गरीब आदमी को लोन मिलता नहीं है जब तक वो कुछ गिरवी ना रख दे तो कम से कम स्वामित्व स्कीम के तहत में उसके पास जहां वो रह रहा है उसका ऑनरशिप राइट आ जाएगा और फिर उसको गिरवी वो कुछ कुछ अपना कर सकता है ठीक है थोड़ा जीपीएस के बारे में रिमोट सेंसिंग मतलब दूर से ऑब्जर्व करना पास ना जाना दूर से ऑब्जर्व करना ठीक है अब देखो दोस्तों सवाल पूछे जा सकते हैं जैसे जियो स्पेशल इंटेलिजेंस क्या होता है वट जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है पूछा गया था अब आपसे जी पूछा जा सकता है एप्लीकेशन क्या होती है इसकी इंडिया के अंदर में जियो स्पेशल सेक्टर में कौन कौन से जो है चीजें काम करती हैं जियो स्पेशल पॉलिसी क्या है 2022 की एंड व्हाट इज द जियो स्पेशल डेटा हम जियो स्पेशल डेटा किसे कहते हैं और क्या है हमारा जियो स्पेशल डेटा ठीक है अब आते हैं दोस्तों मेन्स स्पेसिफिक में, में।, में क्वेश्चन है मेन्स में क्या कह रहा है दोस्तों वट आर द सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जियो स्पेशल इंटेलिजेंस ठीक है जियो इंटेलिजेंस क्या है जियो स्पेशल इंटेलिजेंस जियो इंट मतलब ज, ज, आ, ज, आ, आपका जियो स्पेशल इंटेलिजेंस क्या कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी एंड हाउ डज इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेरियस फील्ड ऑफ इंडस्ट्री कल को आ सकता है ना जीएस पेपर तीन में अरे जीएस पेपर तीन में आ सकता है कि नहीं आ सकता बताओ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं ना जीएस पेपर तीन के अंदर तो इट कैन भी आज के अंदर जीएस पेपर थ्री सीधा सीधा आ सकता है कि बताओ जियो स्पेशल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कौन कौन सी है ठीक है आप उनके बारे में बताइए और उनका बताइए कि किस प्रकार से उन्होंने किसी क्षेत्र के अंदर में कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो दिस कैन बी द क्वेश्चन अब मैंने कितनी सारी एप्लीकेशन आपको बताई है यहाँ पे ठीक है बताइए ड्रोन उड़ रहा है तुम्हारे गांव में ठीक है चलिए रोमिल इसीलिए उड़ रहे होंगे वो अच्छा एक बार यार गाइस लाइक कर दो देखो जितने बच्चे देख रहे हैं उतने भी लाइक नहीं है अभी फटाफट एक बार गाइस प्लीज लाइक द वीडियो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस प्लीज जल्दी से एक बार जल्दी से प्लीज सारे बच्चे यार लाइक कर दो जिन्होंने कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दे सेशन को लाइक कर दे आगे बढ़ते हैं दोस्तों कावेरी वाटर डिस्प्यूट आपको पता है कर्नाटक के अंदर में बंद डिक्लेयर कर दिया है ठीक है कर्नाटक के अंदर में बंद डिक्लेयर कर दिया है क्यों बंद डिक्लेयर कर दिया है दोस्तों क्योंकि कर्नाटक से अब मैं आपको दिखा देखो दि मैं बता देता हूं थोड़ा सा भारत की दक्षिण भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जिसको हम बोलते हैं कावेरी अभी इंपॉर्टेंट किस लिए है पवित्रता के लिए तो खैर है ही भारत में हर नदी को माँ का दर्जा दिया है हमने लेकिन ये नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है जैसे यहाँ पे स्टेट है कर्नाटक इसका जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ से ये नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से और ये ऐसे जाती है अब ये जो नदी निकलती है दोस्तों इस नदी को हम बोलते हैं कावेरी ठीक है क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम बोलते हैं कावेरी ये कावेरी नदी जो है ना ये तीन स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस डिस्प्यूट में पहला स्टेट इन्वॉल्व है इसके अंदर में कर्नाटक दूसरा है तमिलनाडु इसके बाद इसके अंदर में है दोस्तों केरला और इसके अलावा एक इसमें पौंडीचेरी पुंडोचेरी पाण्डीचेरी पुडुचेरी तो ये चार इसके अंदर में तीन स्टेट और एक यूनियन टेरेटरी इस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है डिस्प्यूट क्या है डिस्प्यूट ये है भैया कि ये नदी जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है अच्छा ऐसे डिस्प्यूट आपको यूजुअली दक्षिण भारत में ज्यादा देखने को मिलते हैं क्यों क्योंकि उत्तर भारत के अंदर में नदियों में हर टाइम पानी रहता है मानसून के टाइम पे पानी रहता है ऑब्वियस ही बात है और दूसरी ओर जब मानसून नहीं होता तो भी ग्लेशियर पिघल के पानी आता रहता है तो वहां इतनी किल्लत है नहीं और ज्यादा किल्लत आती है तो हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं लेकिन दक्षिण भारत में वाटर स्कैसिटी का रियल गेम चलता है दक्षिण भारत के अंदर क्या है सर दक्षिण भारत के अंदर रियल गेम दक्षिण भारत के अंदर में जो धरती है वो पेनिनसुलर लैंड जो है वो मतलब प्लाटू लैंड है वहां पे आप आप देखोगे तो पत्थर है मतलब डक्कन प्लाटू आपने देखोगे वो बसाल्टिक लावा से बना है वहां पे आप बोरवेल डक करके पानी नहीं निकाल सकते वहाँ है ही नहीं बोरिंग जो समरसीबल हम करते हैं ना बोरवेल करते हैं आप वहाँ पर वो नहीं कर सकते कहाँ पर दक्षिण भारत में सदर्न इंडिया के अंदर में ठीक है तो आपको रिलाई करना पड़ता है नदियों के ऊपर इसीलिए देखो उत्तर भारत में आपको सवाल मैं पूछ सकता हूं कि वाई दिस रिवर वाटर डिस्प्यूट इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट आर मोर इंटेंस इन द सदरन इंडिया क्यों है दक्षिण भारत में बिकॉज उनके यहाँ पे यार उनको डिपेंड रहना ही पड़ता है नदियों पे ना केवल कृषि के लिए बल्कि हर प्रकार की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हर प्रकार की रोज रोज डेली की एक्टिविटी इवन पीने के पानी के लिए भी दे हैव टू डिपेंडेंट अपॉन दिज रिवर ये नदियां दक्षिण भारत की सही में लाइफ लाइन है ठीक है और ये इसका बड़ा एग्जाम्पल है देख लो कावेरी वाटर डिस्प्यूट आज से नहीं डेढ़ सौ साल पुराना कावेरी वाटर डिस्प्यूट है भाई डेढ़ सौ साल पुराना तो इतना पुराना वाटर डिस्प्यूट है तो इसका मतलब कुछ सिग्निफिकेंस रहा होगा ना उत्तर भारत में है छोटे मोटे हैं विवाद ठीक है बट बहुत बड़ा कुछ विवाद नहीं है ऐसा बड़ा नहीं है कि स्टेट में बंद डिक्लेयर कर दिया ऐसा वैसा हैं छोटे मोटे हैं लेकिन इतने प्रोमिनेंट नहीं हैं जितने दक्षिण भारत में क्योंकि तो दक्षिण भारत जो है वो पूरी तरीके से पेनिनसुलर इंडिया अगर हम बात करें दोस्तों वो डिपेंड करता है इन रिवर्स के ऊपर में वहाँ जितना भी पानी बरसता है ठीक है इस मानसून के टाइम पे दोस्तों वो इन नदियों में रहता है और पूरे साल इन्हीं पान, इसी पानी से काम चलता है हम उत्तर भारत के लोग जो है इस बात को कम समझ पाते हैं इतना हम समझ ही नहीं पाते बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या है दोस्तों रिवर पेरिनियल है पेरिनियल मतलब 24 हम, हम साल के बारह महीने पानी होता है दूसरी बात जब पानी नहीं भी है नदियों में पानी नहीं है छोड़ो हम बोरवेल करके नीचे से खींच लेते हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपने यहाँ चीजें आसान है बट यहाँ सेम चीज़ आप यहाँ नहीं कर सकते हो ठीक है इधर करना बहुत मुश्किल है अगर आप बोरवेल कराते भी हो तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा अन पता नहीं कितनी नीचे जाके और पानी मिले ना मिले उसकी भी संभावना नहीं है तो वहां मुश्किल होता है तो वो रिवर्स पे डिपेंड करते हैं और अब नदी में कुछ लोचा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी है ना अब कर्नाटक जो है वो अपर राइपेरियन स्टेट है मतलब ऊपर की ओर है तमिलनाडु और केरल जो है वो लोअर राइपेरियन स्टेट है आज से डेढ़ सौ साल पहले एक संधि हुई थी क्या कि जब अपर राइपेरियन स्टेट जो है ना वो कुछ भी करते हैं मान लो डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं अब नदी के ऊपर बांध बना के उसका पानी से बिजली बनाई जाती है लेकिन जब आप डैम बनाते हो तो आप पानी को इकट्ठा कर रहे हो तो जब आप ऊपर पानी मान लो ज़्यादा डैम बना के आपने ऊपर पानी इकट्ठा कर दिया तो नीचे वाले स्टेट क्या करेंगे लोअर आईपीरियन स्टेट क्या करेंगे तो इसीलिए एक संधि हुई मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल बनाई गई ठीक है और बताया गया कि भाई ये, ये चीज़ होनी चाहिए ठीक है लेकिन जब वो चीज़ नहीं होती है जब जब बारिश कम होती है दोस्तों स्पेशली जून से लेके सितंबर के महीने में जब भी मानसून वीक आता है और इस टाइम पे एलिनो का साल है और इस एलिनो के साल में बारिश कम हुई है और बारिश कम हुई है तो कर्नाटक जो है जैसे क्योंकि अपर स्टेट है कर्नाटक कर्नाटक को पता है कि ज़्यादा पानी अगर वो रिलीज कर देगा उसका काम नहीं चलेगा तो जब जब ऐसा होता है दोस्तों कर्नाटक लोअर मानसून के टाइम पे वो पानी होल्ड करता है नीचे पानी कम छोड़ता है और तमिलनाडु के अंदर में वाटर स्कैसिटी आ जाती है और इसी चीज़ को लेके फिर ये कसमकश जो है चलती रहती है और अभी भी वही चल रही है अभी ऑर्डर आया है दोस्तों जो कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल है उसका ऑर्डर आया है कर्नाटक को कि भैया आप हर दिन इतना पानी रिलीज करो लेकिन वो रिलीज नहीं कर रहे हैं तो उसी के चक्कर में प्रदर्शन हो रहा है कहां पर कर्नाटक में बंद डिक्लेयर कर दिया गया है दोस्तों बंद ओवर कावेरी मिक्स रेस्पॉन्स इन बेंगलुरु एंड बेंगलुरु मांडिया फुल्ली शट डाउन तो ये आपका पूरा टॉपिक है चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं जीएस पेपर टू स्टेट रिलेशन ठीक है अंतर सरकारी संबंध एक देश एक राज्य का एक देश में एक राज्य और दूसरे राज्य के संबंध ये है और इसकी वजह से दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक उसके बीच में एक बड़ा मुद्दा है उनके रिलेशन के बीच में ये बड़ा मुद्दा है दोस्तों ठीक है तो कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डायरेक्ट किया है कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डायरेक्ट किया है कि इसको दोस्तों कर्नाटक गवर्नमेंट को कि भैया आप एक काम करो पाँच हजार क्यूसेक ठीक है पानी आप रिलीज करो तमिलनाडु के लिए यह ऑर्डर रिलीज हुआ है अभी फिर से चाहे भले ही बंद बंद कुछ भी चले लेकिन कावेरी वाटर मैनेजमेंट जो पॉलिटिकल बॉडी तो है नहीं भाई जो बंद को देख के डर जाएगी नेता तो है नहीं बट कावेरी वाटर मैनेजमेंट ने कह दिया जो चीज जरूरत है वह उन्होंने कहा पांच हजार क्यूसेक वाटर तमिलनाडु को आप इमीडिएटली रिलीज करो डेली बेसिस पे किसने कहा दोस्तों ठीक है ये कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कर्नाटक को कि रिलीज करने के लिए ताकि तमिलनाडु को पानी मिल सके अब इसी के चक्कर में छब्बीस सितंबर को बंद बोल दिया गया कल ठीक है बंद कह दिया गया कि भाई पूरा कर्नाटक बंद रहेगा प्रोटेस्ट हो रही हैं ठीक है कि भैया क्यों हम पानी शेयर कर रहे हैं तमिलनाडु के साथ में वगैरह वगैरह कई सारे लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया क्यों गिरफ्तार किया गया क्योंकि राजभवन पहुंच गए हों गवर्नर रेजिडेंस पहुंच गए हैं ठीक है राजभवन रोड के ऊपर गवर्नर रेजिडेंस के पास पहुंच गए थे तो उनको फिर अरेस्ट किया गया वहां पे अब एक कावेरी वाटर डिस्प्यूट है क्या दोस्तों मैंने बताया ये कावेरी जल विवाद बहुत पुराना है ठीक है आज का नहीं है ये इसके अंदर में तीन स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी हमारी इन्वॉल्व है तमिलनाडु केरल कर्नाटक और पांडिचेरी ये इन्वॉल्व है इसके अंदर में इस डिस्प्यूट का जेनेसिस साल पुराना है भैया आज का नहीं है डेढ़ सौ साल पहले उस समय उन्नीस सौ चौबीस में पहले तो अठारह सो बानवे सोचो कितना पुराना था अठारह सो बानवे और उन्नीस सौ चौबीस में दो एग्रीमेंट हुए थे मद्रास प्रेसिडेंसी और किसके बीच में मैसूर के बीच में उस टाइम पे जो कर्नाटक था इट कम्स अंडर द मद्रास प्रेसिडेंसी ठीक है ये इसका ज्यादातर पार्ट इसके अंदर आता था और मैसूर तमिलनाडु का इसके अंदर आता था तो उस टाइम पे दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था एग्रीमेंट क्या था सर एग्रीमेंट यही था कि भैया सुनो आप हो अपर राइपेरियन स्टेट हम है लोअर राइपेरियन राइपेरियन समझते हो मतलब नीचे वाला स्टेट नदी यहां से आ रही है तो आप ऊपर हो हम नीचे हैं अगर आप बांध बना के सारा पानी रोक लोगे तो हम क्या करेंगे तो इसीलिए आप कितना बांध बनाओगे कितना पानी स्टोर करोगे कितना रोकोगे वो सब अगर करोगे ना तो आपको पहले नीचे वाले स्टेट से बात करनी पड़ेगी नहीं तो ऐसा हो वो ऊपर ही नदियों को रोक दे यार रिवर वाटर शेयरिंग में इंटरस्टेट रिलेशन बहुत प्रभावित होती है अब जैसे गंगा नदी है गंगा नदी ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड से अब उत्तराखंडी बांध बांध बना के सारा पानी रोक दे नीचे आड़े ना दे तो बिहार यूपी पश्चिम बंगाल इनका क्या होगा पूरी रिवर के ऊपर जो इकोलॉजी डिपेंड है उसका क्या होगा ठीक है तो ऐसा नहीं कर सकते वो डैम बना दिया बना दिया बना दिया है ना सारा पानी तो वही बोला गया है इस एग्रीमेंट के अंदर डेढ़ सौ साल पुराना एग्रीमेंट है कि भैया अगर आप ऊपर कुछ कर रहे हो तो नीचे के स्टेट से आप बातचीत करो बिकॉज हम भी उसी पानी पर डिपेंडेंट है समझ में आई बात तो ये चीज है दोस्तों तो यही है एक आपका राइपेरियन स्टेट जो है अपर राइपेरियन स्टेट मस्ट ऑबटेन कंसेंट ऑफ लोअर आईपीएन स्टेट मतलब कर्नाटक कुछ भी करेगा तो केरल तमिलनाडु पाण्डिचेरी इनसे यार वो पहले परमिशन लेगा पहले बात कर लेगा यार ठीक है उनसे कंसेंट लेगा कि भैया ऐसे ऐसे मैं चीज करने वाला हूं ऐसे ऐसे मैं डैम बनाने वाला हूं ऐसे ऐसे मैं कोई रिजर्वायर बनाने वाला हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपका पानी जितना लॉट है वो आपको मिलता रहेगा ये बातचीत करनी पड़ेगी उसको ठीक है अब ये जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है ट्राइब्यूनल क्या एक अदालत बनाई है हमने कावेरी वाटर डिस्प्यूट लंबा था पुराना था तो इसके ऊपर एक अलग से ट्रिब्यूनल बन गई थी ठीक है एक अदालत इसी के ऊपर में बन गई कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ठीक है तो इसने अपनी प्रोविजनल रूलिंग जारी की थी 1991 के अंदर उन्नीस के अंदर लीगल अथॉरिटी जो है दे इनवॉक प्रो रेटा शेयरिंग प्रिंसिपल ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ वाटर अब जब इस इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों इसके द्वारा यह बताया जाता है कितना पानी कब रिलीज होगा लेकिन जब मान लो सूखे का टाइम आता है जब बारिश कम होती है मैंने बताया दक्षिण भारत पूरा मानसून पर निर्भर करता है साउथ वेस्ट मानसून साउथ ईस्ट मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून पूरा उस पर डिपेंड करता है जब बारिश नहीं होती वाटर स्कैसिटी आती है तो बोला ठीक है उस टाइम पे आप प्रोराटा बेसिस के ऊपर में जो है आप वो शेयर कर दो ठीक है जहां कानूनी अधिकारियों ने पानी की कमी की अवधि के दौरान यथानुपात साझाकरण सिद्धांत को लागू किया कि भाई ठीक है नॉर्मल टाइम पे जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने बताया उतना पानी छोड़ो लेकिन जब सूखा है तो कर्नाटक के पास भी पानी नहीं है वो कहां से छोड़ेगा तो जब सूखा पड़ता है तो बोल दिया गया कि उस समय बेसिस देख लेंगे जितना पानी होगा उसके हिसाब से देख लेंगे ठीक है द द ट्रिब्यूनल दैट इन इवेंट ऑफ ऑफ टू ईयर पुअर रेनफॉल अगर लगातार दो साल बारिश कम होती है दोस्तों तो फिर जो मंथली वाटर रिलीज है जो हर महीने एवरेज पानी कर्नाटक से रिलीज होना चाहिए अपर आईपीन स्टेट से लोअर आईपेन स्टेट आना चाहिए उसको क्या किया जाएगा एडजस्ट किया जाएगा यदि लगातार दो साल अर रेनफॉल होती है कम बारिश होती है तो इसके अलावा इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ ऑल रिजर्वायर वुड बी इन द एंटायर बेसिन रिकमेंडेड इन द मिटिगेट एडवर्स इंपैक्ट कह रहा है कि जब मान के चलो क्षेत्र में बारिश कम हो रही है तो क्षेत्र में जितने भी रिजर्वायर हैं ठीक है उनको एक साथ उन सारे जलाशयों को इंटीग्रेटेड तरीके से काम कराएंगे हम ऐसा नहीं कि ऊपर वाले जलाशय ने देखा कि हो यार सूखा पड़ रहा है ज्यादा पानी भर लिया ऊपर वालों ने पानी भर लिया नीचे वाले बेचारे खाली पड़े सूखे पड़े वो वो प्यासे मर रहे ऐसा नहीं होना चाहिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट होना चाहिए अगर भाई रेनफॉल कम हुई है तो ठीक है उसी हिसाब से हर रिजर्वायर के अंदर में पानी आप

आप रिलीज़ करोगे किसको तमिलनाडु को इसको मॉनिटर किया जाता है कावेरी वाटर वाटर जो कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल है या कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल तो विवाद के लिए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसका काम ही यही है ऑब्जर्व करना कि हमने कर्नाटक को बोल रखा है कि आपने एक सौ थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फिट इतना पानी एक साल में कर्नाटक को तमिलनाडु को रिलीज करना है नॉर्मल ईयर में ठीक है और ये समय कब से होता है जून से लेकर मई तक का जून से लेकर मई तक कर्नाटक को एक सौ मिलियन टन पानी कर्नाटक को किसको देना होता है तमिलनाडु को देना होता है अपर राइपेरियन स्टेट से लोअर राइपेरियन स्टेट ये जाना ही होता है ठीक है तो इसको कौन मैनेज करता है दोस्तों कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी अब मान लो अगर ये नहीं होता है तो फिर मामला कहा जाता है कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल अब इससे भी मामला सुनवाई नहीं होता है तो मामला जाएगा दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट अभी लोग सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन का ही वेट कर रहे हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट मामले का संज्ञान ले क्योंकि इन्होंने तो बंद बोल दिया है अब उसके चक्कर में कब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेंगे और कब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कह रहा है कि जो टोटल अलोकेशन है हमने बताया एक एक साल में हंड्रेड टन मैट मिलियन क्यूबिक फिट जो है इतना पानी रिलीज करना है इस पानी को अपने को रिलीज करना है फ्रॉम जून से लेकर मई तक का फ्रॉम जून टू मे अब समझना आपको दोस्तों टोटल ही जो हमने हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन एम टी सी बताया है ना ठीक है थाउजेंड मिलियन टन टीएमसी बताया है इसमें से एक सौ तेईस दशमलव चौदह टीएमसी जो है सिर्फ और सिर्फ मानसून के टाइम पे जाता है आउट ऑफ एक सौ सतहत्तर एक सौ तेईस दशमलव चौदह टीएमसी सिर्फ और सिर्फ किस में जाता है मानसून यानी कि जून से लेकर सितंबर के पीरियड में इसी महीने में जाता है क्योंकि इसी इसी टाइम पे साउथ आता है इसी समय पानी ज्यादा ज्यादा होता है तो इसमें पानी रिलीज करो अब अग अगर सूखा पड़ गया अब अग अगर बारिश कम हुई तो आ जाएगी प्रॉब्लम इस महीने में इतना पानी इन तीन चार महीने में जाना जून जुलाई अगस्त सितंबर चार महीने में एक लेकिन ये जब बारिश नहीं हुई तो कहां से दिया जाएगा भैया तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है इसीलिए ये जो कावेरी वाटर का डिस्प्यूट के ऊपर मुद्दा है ना ये भी अभी आता है अभी रिसेंट का डिसीजन क्या मैं बताता हूं अभी एक डायरेक्टिव दिया गया कर्नाटक को कि भैया आपको पाँच क्यूबिक फिट पर सेकेंड पानी जो है रिलीज करना है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ फिफ्टीन डेज और ये पंद्रह दिन आपके शुरू होते थे कब से अगस्त उनतीस से इन्होंने किया नहीं ठीक है इन्होंने किया नहीं अब तमिलनाडु ने कहा ठीक है कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल को कि यार ऐसा कैसे अब फिर से दोबारा एडवाइजरी जारी हुई है अब जब दोबारा एडवाइजरी जारी हुई है तो कर्नाटक में बंद अनाउंस हो गया कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी हाईलाइट दैट द शॉर्टफॉल इन वाटर सप्लाई ये गांव है कहाँ का दोस्तों आपका तमिलनाडु का उन्होंने बताया कि जो कर्नाटक पानी नहीं छोड़ रहा इसीलिए कई सारे गांव ऐसे हैं तमिलनाडु के जहाँ पर पानी की कमी आ गई है जिसमें एक जो है वो है बिली ठीक है बिली के अंदर में इतनी कमी आ गई है क्या उसमें बासठ पानी जो है वो आपका कम है इतनी वाटर्स कैसेटी यहाँ पर आ गई है ये अभी बताया गया है ठीक है इसीलिए कावेरी वा, 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 वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एंडोर्स किया है जो कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी है उसकी जो इंस्ट्रक्शन है कि पांच सौ क्यूसेक पानी आपको अगले 15 दिनों में रिलीज करना है उसको उन्होंने सपोर्ट किया अब दोबारा से ठीक है और अब ये टाइम बताया गया है कि 13 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में आपको इतना पानी रिलीज करना है बट इसी के ऊपर में सारा धरना और विरो, विरोध प्रदर्शन वगैरह वगैरह ये हो रहा है अब सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु कह रहा है कि सोच रहा है कि अब चलो ये तो करेंगे नहीं तो एक काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन हो सकता है इसमें वो उसका वेट कर रहे हैं कि जो भाई इनका जो शेयर है पानी का वो इनको मिले इसलिए वो चाह रहा है कि जल्द से जल्द इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरवीन करें ठीक है ये आपका हो रहा है मामला अब कावेरी रिवर के बारे में देख लो तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है वेस्टर्न घाट में साउथ वेस्टर्न कर्नाटका वहां से ये निकलती है यह नदी आपका वहां से निकलने के बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ठीक है अगर ये हमारा भारत है तो यहां से साउथ वेस्टर्न कर्नाटका से निकलेगी ऐसे और इस प्रकार से अपनी साउथ ईस्टली डायरेक्शन में जाएगी और जाकर यह आपका यहाँ पे समुद्र में मिल जाती है तो कह रहे कुल मिला ये सात किलोमीटर बहती है और मुख्यतः कर्नाटक तमिलनाडु से होते हुए जाती है ठीक है ईस्टर्न घाट से होते हुए कई सारे फॉल्स भी ये बनाती है दोस्तों बिफोर एम्पिटिंग इन टू द बे ऑफ बंगाल ठीक है इन द साउथ ऑफ कडलोर कडलर तमिलनाडु द रिवर ब्रेक्स इंटू अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर ये तो मैं बता ही चुका हूँ जेंटल स्लोप है कल भी बताया एन सी आर टी में आजकल यही चल रहा है जब स्लोप जेंटल होता है ये साइड हमारी जेंटल स्लोप है ये जो कोस्ट हैं दे आर इमर्जिंग कोस्ट तो इमर्जिंग कोस्ट होने की वजह से जेंटली इसके अंदर मिलती है और नदी एक्सटेंडेड दिखती है एंड दे फोल्ड फॉर्म डेल्टा यहाँ पर वो कई प्रकार के डेल्टा निर्माण करती है देखो जोग्राफी की जो अभी हम कर रहे हैं दोस्तों ठीक है दीज क्लासेज आर वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको यकीन दिला दूँ ये जो क्लास अभी हम कर रहे हैं ना ठीक है ती, ये क्लास जो है दे आर ऑफ नेक्स्ट लेवल ठीक है एंड दीज क्लासेज आर लाइक प्योरली प्योर क्लास फॉर यूपीएससी सीएससी एंड स्टेट पीसीएस मैं आपको दावा दावे से कह सकता हूं ये वो क्लास है जिसके लिए आपको इंतज़ार होना चाहिए ठीक है वो तरीके का हम कंटेंट यहाँ पे दे रहे हैं अब ये क्योंकि हम तैयारी इतनी बड़ी कर रहे हैं दोस्तों तो ऑब्वियस ही बात है चीज़ें थोड़ी बड़ी लगेगी आपको डिस्क्रिप्टिव लगेगी ये सारा टॉपिक मैं बिना इस पर देखे मैं खड़ा होकर मैं आपको एक मिनट में एक्सप्लेन कर सकता था भाई कर्नाटक के अंदर में बंद अनाउंस हो गया है क्यों कावेरी वाटर डिस्प्यूट पे बहुत पुराना डिस्प्यूट है डिस्प्यूट क्या होता है कि कर्नाटक अपर आईपेरियन वो लोअर आइपेरियन क्लास ये टॉपिक शुरू होने से पहले ही मैंने दो मिनट में पूरा टॉपिक बता दिया था बट फिर मैं एक एक करके पढ़ता हूँ इसीलिए ताकि एक डिस्क्रिप्टिव कवरेज हो ये एग्जाम ऐसा है जिसके अंदर में आपको नॉलेज तो चाहिए सिर्फ आप ज्ञान बटोरने नहीं आए हो यहाँ पर कि कल को आपने ये बात सुन ली यहाँ पर गांव में गए आप दुकान पे चार आदमी खड़े थे वहाँ पे आपने जाके बता दिया कि ओ हो यार कर्नाटक में बंद है वो कावेरी वाला पानी नहीं छोड़ रहे ठीक है बस ये ये नहीं है यू पी आज से बहुत डिटेल में पूछेगा ये गाँव की चौपाड़ में होने वाली जो चौपाल होती है ना वहाँ पर होने वाली डिस्कशन नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो गाँव में होता है ना कुछ भी हाथ ना पैर किसी भी बात को मार देते हैं अरे फलानी जी अरे ये सरकार ऐसी है अरे सारे काम मोदी कर रहा है ठीक ऐसे ऐसे होता है कि नहीं होता अरे ये तो राज खराब है अरे सरकार बहुत अच्छी है तो वो डिबेट ना हो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यू पी एंड यू हैव टू प्रिपेयर लाइक अ सिविल सर्विस एस्पेरेंट ठीक है आपको उसी की तरह पढ़ना है अब ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है ठीक ट्रिब्यूटरी है कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं दोस्तों ये आपका कावेरी की जिसमें अर्कावती हेमावती लक्ष्मण तीर्थ जिसमें सिमसा काबिनी हरंगी ये सारी नदियाँ इसके अंदर में आती हैं ठीक है ये आपका पूरा अगर आप देखना चाहो दोस्तों दिस इज द कंप्लीट मैप जहां से होके आपकी ये नदी जाती है ठीक है क्लियर है आगे बढ़े दोस्तों आगे बढ़े पंद्रह सोलह हाँ ठीक है अभी दे दूंगा नेहा मैं मैं दे दूंगा ठीक है मैं दे दूंगा ठीक है बस के यार ये मैं देखो ये जो मैं डीप डीप बात बार बोल रहा हूं ना इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको बताता हूं मैं इसीलिए नहीं कि मैं चाहता हूं कि मेरी बढ़ाई हो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि कई बच्चों को इस बात से वो थोड़ा सा विरोध करते हैं कि यार लंबा है सर करंट अफेयर बहुत ज़्यादा हो जाता है सर तो मैं उनको बता रहा हूँ करंट अफेयर सिर्फ इतना ही था कि कावेरी कर्नाटक में बंद आगे मतलब बंद ऑर्गेनाइज किया हुआ है उसके बाद इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ठीक है इंटर स्टेट रिलेशन ये सब पॉलिटी जी पेपर दो के मुद्दे हैं ठीक है ये कहाँ से पढ़ोगे आप ये कौन पढ़ाएगा आपको इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे हम डिटेल कवरेज करते हैं मैं ये बता रहा हूं बस तो इसीलिए थोड़ा सा चीजें हमारी लंबी भी हो जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये अपना है न्यूज आप देख सकते हो आज ये द हिंदू में आई हुई है ठीक है सी डब्ल्यू आर सी कावेरी तो वाटर रिड्रेसल कमेटी डायरेक्ट्स कर्नाटक टू रिलीज तीन हजार क्यूसेक ऑफ वाटर तमिलनाडु टिल अक्टूबर फिफ्टीन ठीक है ये बंद की बात है देखो तो ये बंद अनाउंस हो गया कैसे पुलिस वाला बेचारा बैठ के सो रहा है ठीक है क्या करें और ठीक है क्या करें और बताओ अब बात करते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च के ऊपर ठीक है रिलेटेड सर्च के अंदर में कौन कौन से मुद्दे देखने हैं ठीक है लेट्स टॉक अबाउट दिस चलिए अच्छा दोस्तों जिन्होंने वीडियो लाइक कर दिया है उनका मैं तहे दिल से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ और जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं कहना चाहूँगा कि एक बार प्लीज़ आप फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू गाइस एक बार जल्दी से आप लोग इसको लाइक like और शेयर करें, ठीक है लाइक like जरूर कर दे जिन्होंने कर दिया यार आपका बहुत बहुत धन्यवाद चलो आगे बढ़े ठीक है कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल इसके बारे में आप थोड़ा पढ़िएगा चल इस पर एक सेशन कर लेंगे ठीक है विल डू अ स्पेशल सेशन ओवर इट कावेरी वाटर डिस्प्यूट के ऊपर एक पूरा विवाद जो है क्या है क्या नहीं है वो कंप्लीट एक टॉपिक हम बनाएंगे एंड विल डिस्कस द कंप्लीट टॉपिक है ना तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है ज़रूरी है इसके बारे में जानना तो इसके ऊपर कंप्लीट हम एक मुद्दा करेंगे डिस्कस करेंगे इसको ठीक है रिलेटेड सर्च पे आते हैं कावेरी जल प्रब जल विवाद न्यायाधिकरण कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और प्रोजेक्ट मेक मे के धातु के ऊपर है ठीक है अब प्रिलिम्स में यार कावेरी वाटर डिस्प्यूट क्या है इसका बैकग्राउंड कावेरी वाटर शेयरिंग इश्यूज आज मैं इसके ऊपर एक एक स्पेशल 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 सेशन 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 के लिए बोलता हूं, ठीक है विल डू अ ऑन ओवर इट इस आपको मिल जाएगा आज ठीक है ये चीजें हैं जिससे प्रिलिम्स में सवाल बन जाएगा आपका ठीक है मेन्स में इससे सवाल क्या बनता है वॉट आर द की हिस्टोरिकल एंड कंटेप्रेरी फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द कावेरी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट बताइए आज के समय और प्राचीन समय दोनों को मिला के क्या लगता है आपको क्या वो कारण है जो कावेरी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट के अंदर में मुख्य कारण है कौन से वो फैक्टर है जिनकी वजह से ये सारी गड़बड़ जो है वो हो रही है ठीक है किस किस के बीच में कर्नाटक तमिलनाडु के बीच के अंदर में है ना एंड हैव लीगल एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म अटेम्प्टेड टू एड्रेस दिस ऑन गोइंग इशूज एंड किस प्रकार से हमारे देश के अंदर जो कानून बने हैं जो नियम बने हैं वो किस प्रकार से इसको इशू इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं देखो आज ये मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया है ठीक है जाहिर सी बात है ये एक एक, एक ए, रिवर डिस्प्यूट तो है ही वाटर डिस्प्यूट तो है ही बट आज के टाइम पे यार ये एक मुद्दा ऐसा भी बन गया है जहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है अभिषेक सर का मैसेज आया है मैं पूछ रहा हूँ इंडियन ओशियन में फ्री ट्रेड बंद हुआ है कि नहीं हुआ है आपका ठीक है लेकिन आज क्लास होगी अच्छी बात ये है ठीक है दस बजे एडिटोरियल की भी क्लास होगी चलिए अगला टॉपिक है दोस्तों आधार बायोमेट्रिक रिलायबिलिटी एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है मूडी ठीक है तो मूडी जो है मोदी नहीं मूडी तो उन्होंने कहा कि भारत के अंदर में जो ये आधार आधार कर रहे हैं ना दुनिया भर के देशों के साथ कोलाबरेट हो रहा है भारत अपने ए स्टैक की बात कर रहा है हर जगह जाके अपने आधार कार्ड की हम बढ़ाई कर रहे हैं दूसरे देशों को हम कह रहे हैं कि देखो हमने तो बना लिया अब तुम भी आधार जैसा सिस्टम बना लो अब अलग अलग देश भारत के साथ मिलके काम कर रहा है दे वांट टू कोलैबोरेट विद इंडिया और वो अपना खुद का सिस्टम भी आधार जैसा बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भारत उन उस इसमें उनकी मदद करे तो मूडी जो है ये बीच में आके मतलब मामला खराब करना चाहता है कह रहा गहरा यार ये तो बेकार है ठीक है इसमें मज़ा नहीं है जो ये है ना आधार ये रिलायबल नहीं है ये तो फेल हो सकता है भारत जो है वो ह्यूमिड एरिया है यहाँ पे जो मजदूर स्पेशली जो लेबर काम कर लेबर काम करती है अब वो इस हालत में काम करती है ठीक है तो कहता है उनके लिए बायोमेट्रिक डेटा उनका काम ही नहीं करेगा ठीक है वो बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट्स क्योंकि तो वो ह्यूमिड एरिया में काम करते हैं लेबर वाला काम करते हैं तो उनका फिंगरप्रिंट जो है वो उस पर बदलता तो नहीं है लेकिन कह रहा कि वहाँ प्रॉब्लम होती है तो वो डेटा मैच नहीं होता ऐसा उन्होंने कहा है सरकार ने जवाब दिया कि अरे मूर्ख पहले तो जो तू एलिगेशन लगा रहा है मोडी से कहा कि मूर्ख पहले जो एलिगेशन तूने लगाई है ना तूने उसके बारे में कोई छानबीन की ही नहीं है हमें तो ऐसा लगता है अगर छानबीन करता तो जो यू आई डी है उससे तू जाके पूछता अपने जवाब सवालों के बारे में दूसरा बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन जो है कह रहा है कि वो नो कॉन्टेक्ट मैथड से भी हो जाती है जरूरी तो मैं उसके लिए फिंगरप्रिंट लगाने पड़े उसके लिए आपके आई स्कैन और फेस रिकॉग्निशन से भी काम हो रहा है आजकल ठीक है तो उसको बताया लताडा सरकार ने बट हां जाहिर सी बात है दोस्तों भारत के अंदर में अगर हम बात करें सो इंडिया के अंदर में आधार ऑथेंटिफिकेशन के अंदर इश्यूज आते हैं अभी तो थोड़े दिन पहले का एक विवाद था ना झारखंड का था पता नहीं छत्तीसगढ़ का ठीक है तो वहां पर आधार ऑथेंटिफिकेशन हुआ नहीं था और उसके चक्कर में भुखमरी से लोग मर गए थे है ना तो एक बड़ा इशू था तो आधार में प्रॉब्लम तो है ठीक है तो इस टॉपिक में हम उन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आधार बायोमेट्रिक रिलायबिलिटी के बारे में कि जो आधार से हम बायोमेट्रिक डेटा जो अब देखो बैंक अकाउंट खोलना है तो आधार नंबर लगेगा आधार कार्ड से आपका आधार नंबर जाएगा उससे आपका फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन होगा अब ये ऑथेंटिफिकेशन आने में कई बार टाइम लग जाता है कई बार आपका डेटा मैच नहीं करता कई बार अब तो ऐसा हो गया दस दस साल हो गए हैं बट उसके बाद में भी आपका आधार नंबर और जो पीछे डेटा है वो मैच नहीं करता हमारे देश के अंदर में कोई आर्काइवल पॉलिसी नहीं है इतना ज़्यादा यू आई जो इतना डाटा रखती है लेकिन किस प्रकार से उस डेटा को रखना है क्लीन हाइजीन प्रैक्टिस जो है वो हमारे पास नहीं है अभी तक इतने टाइम के बाद में भी तो ये सारे कई सारे इश्यूज़ हैं इन सारे इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे डिस्कसन क्यों कर रहे हैं इस इशूज़ के बारे में भैया तो कि आज सरकार के अंदर में अगर सरकार का किसी भी सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट स्कीम का अगर आपको लाभ उठाना है तो आप यकीन मानिए उसके लिए केवल और केवल आपको आधार कार्ड की आवश्यकता है आधार कार्ड अब हर चीज़ में कंपलसरी हो गया है आप सोचो ऐसे में अगर आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन फेल हो जाए या आधार कार्ड में डेटा आपका गलत हो वो आपका मैच ना हो तो आप तो फंस गए कुछ भी काम आप नहीं कर पाओगे समझ में आ रही बात दोस्तों तो इसीलिए आधार जरूरी है आधार ऑथेंटिफिकेशन जरूरी है और उसी के ऊपर में टॉपिक है इसी को आज हम यहाँ पर पढ़ते हैं ठीक है, है? चलिए जीएस पेपर दो इशू अराइजिंग आउट ऑफ डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी भाई सरकार ने आधार पॉलिसी बनाई अब उसमें कह रहा है कि कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है ठीक है तो कह रहा है कि यहां पर मेजर रेड फ्लैग जो है वो देखने को मिल रहे हैं और दुनिया की हमारी जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है मूडी इन्वेस्टर सर्विस सो मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने कई सारे क्वेश्चन उठाए हैं भारत के आधार जो पॉलिसी है इसको लेकर भारत का जो आधार बायोमेट्रिक रिलायबिलिटी है इसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि भारत क्योंकि भारत हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर में रहता है तो कह रहा है ऐसी जलवायु में ऐसे क्षेत्र के अंदर में अगर हम देखें तो आधार बायोमेट्रिक डेटा जो है उतना रिलायबल नहीं होता ये कह रहे हैं रिपोर्ट कंसर्न अबाउट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑल्सोरिटी इन द आइडेंटिफिकेशन ये तो है ही यार कई बार हम देखते हैं कि आधार से ना प्राइवेसी का मुद्दा जो है वो लगातार उठता है इस रिपोर्ट में केंद्रीकृत पहचान प्रणालियों में सुरक्षा और गोपनीयता कमजोरियों के बारे में भी चिंता जताई गई है अब अब वाई मुडी है सेड अबाउट आधार अब ये कह रहा कि इतने आधार, के बारे में बोला है दोस्तों। देखो, आधार की लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं कोई अच्छी बात करता है तो कोई बुरी बुरी बात करता है अब मूडी जो है ये बुरी बात कर रहा है मूडी कह रहा है दोस्तों क्योंकि आधार दुनिया का लार्जेस्ट डिजिटल आईडी प्रोग्राम बन गया दोस्तों आज पब्लिक और प्राइवेट किसी भी प्रकार की सर्विसेज अगर आप लेते हो तो आधार वेरिफिकेशन से काम चलता है वन टाइम पासवर्ड कोड सब इसी पे आता है आई स्कैन फिंगरप्रिंट सब कुछ होता है यहाँ पे ठीक है तो ये दुनिया का लार्जेस्ट डिजिटल आईडी प्रोग्राम है आज के टाइम पे और ना केवल भारत बल्कि अब तो दूसरे देश भी भारत से सहयोग ले रहे हैं ये, करवा रहे हैं तो भारत की जो वैल्यू बढ़ रही है भारत के इस प्रोग्राम की वैल्यू बढ़ रही है तो अच्छा भी बोलने वाले लोग आएंगे और बुरा भी बोलने वाले अब ये भाई साहब जो है मूडी इन्वेस्ट ये इन्वेस्टमेंट रेटिंग एजेंसी है दोस्तों ये अलग अलग अर्थव्यवस्था को रेट करती है जैसे भारत में निवेश आता है ना विदेश से पैसा आता है तो जो पैसा आता है ये देखता है कि जैसे आप लोग व्यूज देखते हो ना भाई मतलब कि ये जो नया टीचर है भाई इससे कैसे पढ़े कैसा पढ़ाता होगा आपस में बात करते हो व्यूज शेयर करते हो ऐसे ही ये बताती है मूडी जो है एक इन्वेस्टमेंट एजेंसी है जो अलग अलग देश को रेटिंग देती है रेटिंग देती है और उसके आधार पर फिर देश लोग जो है उस देश में इन्वेस्ट करते हैं समझ में आई बात दोस्तों तो मूडी जो है इस इट हैज नोटेड दैट आधार जो है दुनिया का लार्जेस्ट डिजिटल आई प्रोग्राम है और इसके माध्यम से पब्लिक और प्राइवेट सर्विसेज दी जाती है और आपका जो वेरिफिकेशन है वो होता है या तो फिंगरप्रिंट से कर दो या आंखों के रेटिंग आईरी स्कैन से हो जाता है दोस्तों या वन टाइम पासवर्ड जो है वो आपको भेज दिया जाता है ओ जो है आपके आधार एनेबल्ड नंबर पर सेंड किया जाता है बट इस सिस्टम में कई सारे हर्डल्स आ रहे हैं ऐसा मूडी का कहना भैया कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है ऑथराइजेशन जो है वो होता नहीं है बायोमेट्रिक रिलायबिलिटी जो है वो फेल हो जाती है वो ठीक है कह रहा कि स्पेशली इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है वो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में काम नहीं करती <coughs> कह रहा कि भारत में अगर कोई लेबर मजदूर काम कर रहा होगा ना तो फिर वहाँ पर उसके लिए इस बायोमेट्रिक डेटा की रिलायबिलिटी जो है वो एक क्वेश्चन मार्क का बड़ा कि क्या एक लेबर एक मजदूर जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में काम कर रहा है उसके लिए बायोमेट्रिक डेटा काम करेगा उसके लिए प्रॉपर ऑथेंटिकेशन आएगा कह रहा है उसके लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ठीक है क्यों ऐसा क्यों बोला उसने सोचो क्योंकि मजदूर है बेचारा हाथ से काम कर रहा होगा ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में उब, कह रहा होगा कि हाथ वाथ जो है उस पर पसीना होगा या कुछ भी होगा रेत मिट्टी चिपक रही होंगी तो ऐसे में अगर वो फिंगरप्रिंट लगाएगा तो हो सकता है वो उसको आइडेंटिफाई ना करे तो भाई कौन बताए इसको कि कॉन्टैक्ट करके फिंगरप्रिंट से ही ऑथेंटिफिकेशन नहीं होता और भी तीन तरीके हैं ठीक है कैसे आपके आईरिस स्कैन करके अब आँखों में तो धूल नहीं गई होगी ना भाई ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आँखों में भी धूल गई चली गई होगी वो भी जाम हो गया होगा सिस्टम चलो वो भी हो गया तो चेहरा तो दिखेगा चलो वो भी हो गया तो आधार अनेबल्ड मोबाइल नंबर तो है उस पर ओ आ जाएगा ठीक है कौन बताए इस मूर्ख को गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स यही रहा है गवर्नमेंट ने कहा कि भैया सुनो ठीक है पहली बात जो तुम एलिगेशन लगा रहे हो जो तुमने जो भी अपना विवाद बताया है उस पर तुमने एक बार भी रिसर्च करके देखी नहीं है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा तुमने उसका उठा के देखा नहीं है ठीक है आपने किसी भी प्रकार का अटेम्प्ट नहीं किया कि जो इसको मैनेज करता है पूरा आधार को यू आई डी आई चलो आप एक बार चल के इन्हीं से कंसल्ट कर लो कि क्या ह्यूमिड क्लाइमेट में अगर लेबर कोई काम करे तो उसके लिए रिलायबल है आपने पूछा कह रहा आपने एक बार भी नहीं पूछा अगर आप इनसे पूछते तो आपको ये जवाब दे भी देते ठीक है तो वो जवाब क्या देते हैं वो ये कहते हैं कि जो बायोमेट्रिक सबमिशन की आप बात कर रहे हो फिंगरप्रिंट जरूरी नहीं है आप नो कॉन्टैक्ट से भी कर सकते हो कॉन्टेक्ट लेस तरीके से भी कर सकते हो ठीक है आप चेहरे का ऑथेंटिफिकेशन करा दो आई स्कैन करा दो वहां से भी हो सकता है कह रहा मूर्ख मूडी इन्वेस्टमेंट ये प्राइवेट फर्म है कह रहा कि आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने भी भारत के आधार कार्ड का की तारीफ की है कि भारत का आधार प्रोग्राम जो है बहुत तगड़ा है कई सारे देश आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चाहते हैं कि उनके देश में भी आधार कार्ड जैसा सिमिलर डिजिटल आईडी आईडी प्रोग्राम हम लेके आए और उसके लिए यू आई डी ए आई से ही संपर्क हो रहा है वो उनकी मदद कर रहे हैं तो हम तो भारत भारत में नहीं हम तो भारत से बाहर भी जाके मदद करवा रहे हैं ठीक है तो ये हमने रेस्पॉन्स दिया बट अपने आप में झांक के देखते हैं दोस्तों ठीक है वो कहते हैं ना ठीक है अगर सफल होना है आपको तो कम से कम अपने से झूठ मत बोलना मैं सभी से कहता हूं सुबह मॉर्निंग में मैं यूजुअली ज्ञान देता नहीं बट मैं आज आपको ज्ञान दे देता हूँ ठीक है और आज का ज्ञान यही है अगर जिंदगी में सफल होना है ना तो दूसरों को तुम कितनी भी झूठ बोल लो यार आज पढ़ा था आज नहीं पढ़ा यार अरे यार पेट में दर्द हो गया अरे यार, यार ये हो गया लेकिन सफलता चाहिए ना तो अपने आप से झूठ मत बोलो ठीक है कोई काम आप नहीं कर रहे तो आपको तो पता है ना उस ना करने के पीछे कारण क्या है ठीक है दूसरों को आप झूठ बोल लोगे हो सकता है वो मान भी ले लेकिन आप अपने आप को कभी धोखा मत दो यार अपने आप से झूठ मत बोलो अगर सफल होना है तो मैं यही कह रहा हूं कि चलो ठीक है इन्होंने जो कहा हमने जवाब भी दे दिया अब अपने आप हाँ बैठ के देखते हैं अगर आधार डेटा आधार डिजिटल आईडी प्रोग्राम को हमें इतना ही सक्सेसफुल बनाना है तो देखते हैं ना इसमें कुछ कमी तो नहीं है ठीक है हमने आधार रिलायबिलिटी कंसर्न हम खुद से बात कर रहे हैं अब मूडी वूडी से बात नहीं कर रहे हैं अब हम खुद से बात कर रहे हैं कह रहे यार देखो आधार में यार आज अगर हम देखें तो सरकार ने सारी वेलफेयर स्कीम को इससे जोड़ दिया यही प्रॉब्लम है सरकार ने क्या किया है बहुत सारी कल्याणकारी योजना के लिए आधार कार्ड को कंपलसरी बना दिया अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम कैसे है दोस्तों अगर टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी अगर टेक्नोलॉजी रिसीव नहीं करेगी भैया बहुत सारे लोगों को ये सोशल बेनिफिट स्कीम के अंदर में फायदा नहीं हो पाएगा किसी का रा, राशन नहीं मिलेगा किसी को किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी किसी का बैंक में पेंशन नहीं आएगी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी हो जाएगी नहीं इसीलिए ज़रूरी है आधार कार्ड को अच्छे से काम करना ठीक है अब कई केस ऐसे देखे गए हैं कि झारखंड के अंदर में केस हमने देखा था वहां बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन फेल हो गया ठीक है और वहां फिर फिर अनाज नहीं मिला उसको पीडीएस से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से और भुखमरी से वहां पे मौत हो गई है ना एज ऑफ जुलाई इकतीस अभी इकतीस जुलाई 2023 तक मैं बता रहा हूं भारत के अंदर सात मिलियन इंडियंस जो है उनको आधार से जोड़ दिया गया है उनका राशन कार्ड आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है अब मान लो इनका अगर आधार ऑथेंटिफिकेशन फेल हो जाता है ठीक है फिंगरप्रिंट ना मैच हो या डेटा गलत हो तो इनको तो बिचारों को राशन नहीं मिलेगा ना तो ऐसे में फिर हमें देखना पड़ेगा कि भारत का सिस्टम कैसा है है ना जरूरत है भाई 280 से ज्यादा जो रेजिडेंट है दे आर लिंक विद आधार गैस फॉर दर कुकिंग एलपीजी पहल स्कीम के तहत वो इससे जुड़े हैं आधार वेरीफाई नहीं हुआ तो उनको गैस नहीं मिलेगी ठीक है 788 मिलियन अकाउंट जो है आज भारत के अंदर में वो बैंक अकाउंट जो है वो आधार से कनेक्टेड है भारत की जो पीएम किसान योजना है जो हमने चलाई थी 2019 के अंदर में वो पूरी की पूरी 100 परसेंट वहां पर किसान बेनिफिशरीज को जो फंड जाता है वो आधार कार्ड के आधार आईडी के माध्यम से जाता है तो सोच के देखो यार ये सारी स्कीम तो फेल हो जाएंगी ये सारी स्कीम का तो लाभ उठा उठा ही नहीं पाएगा कोई भी व्यक्ति है ना तो इसीलिए आधार के अंदर में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अब आधार के अंदर इशू क्या आते हैं हम वो देख लेते हैं हाँ डेटा मिसमैचिंग का इशू आता है दोस्तों ठीक है कई बार ऐसा होता है हर केस में तो नहीं कहेंगे बट रेयर केसेस हैं सो में से कोई एक केस निकल गया सॉरी सो कहूँ हज हजार या लाख में से कोई एक दो केस निकल गए क्या केस ऐसे निकलेंगे सर उसमें हजारों लाखों में कि डेटा मैच नहीं करेगा आधार नंबर कुछ है ठीक है और वो जो पीछे उसका बायो, बायोमेट्रिक स्टोर है उसमें वो कुछ हो रहा है प्रॉब्लम होती है ना ठीक है अरे ये इसलिए होती है भाई जो डेटा कलेक्ट किया है वो तो आदमियों ने ही किया है ना वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है तो ये हो रहा है ये होता भी है ठीक है डेटा ऑफ आधार कार्ड होल्डर हैव नॉट मैच विद देयर आधार नंबर ये भी होता है और ये कई कई केसों में तो ऐसा चल रहा है दस साल से बेचारे लगे ही पड़े उनका डेटा ही मैच नहीं हो रहा आज तक इट एज ऑल्सो क्रिटिसाइज सिस्टम टू एनालाइज द फैक्टर लीडिंग टू द ऑथेंटिकेशन एर कई बार क्या होता है कि ऑथेंटिफिकेशन में प्रमाणीकरण में त्रुटि हो जाती है जैसे मान लो आपको बैंक अकाउंट खोलना है तो आपके आधार कार्ड उसमें लगेंगे तो उसके लिए ऑथेंटिफिकेशन आएगा कहां से दोस्तों आधार जो डेटाबेस है वहां से यू से अब कई बार वो ऑथेंटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर आधार आपका अकाउंट नहीं खुलेगा तो कई बार ये प्रॉब्लम होता है इसमें एरर आता है तो वो आज तक हम जांच नहीं पाए हैं कि वो पर्टिकुलर किस चीज़ की वजह से होता है इसके अलावा कैग जो है उसने भी कई बार कहा है दोस्तों ठीक है कंट्रोल एंड ऑडिटर ने कि भाई हम दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटा जो है वो रखते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास कोई आर्काइवल पॉलिसी नहीं है आर्काइव डेटा आर्काइवी आर्काइविंग पॉलिसी नहीं है मतलब आर्काइविंग पॉलिसी का मतलब है डेटा को कैसे जैसे लाइब्रेरी में किताब रखी जाती है ना भाई यहाँ पे आप इस इस ब्रांच के हो यहाँ किताब मिलेगी जोग्राफी की सारी किताब वहाँ तो ऐसा कह रहा है कि इंडिया में आज सबसे ज़्यादा हम बायोमेट्रिक डेटा हमने बनाया हुआ है बट हमारे पास कोई भी डेटा आर्काइविंग पॉलिसी अभी तक नहीं है ठीक है समझ में आ रही बात दोस्तों यू आई डी आई प्रोवाइड ऑथेंटिफिकेशन सर्विसेज टू बैंक मोबाइल ऑपरेटर एंड अदर एजेंसीज फ्री ऑफ चार्ज टिल मार्च 2019. दिस इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ देर ओन रेगुलेशन एंड इट डिप्राइव द रेवेन्यू द गवर्नमेंट ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की अब ये यू आई डी आई क्या है दोस्तों एक स्टेट्यूटरी बॉडी है मतलब कानून के द्वारा बनाया था हमने इसको दोस्तों बारह जुलाई दो हजार सोलह को हमने इसको स्थापित किया था इसी का काम है पूरे आधार सिस्टम को एनरोल करना उसको देखना करना रेगुलेट करना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में एक काम करती है दोस्तों का काम क्या है? To assign 12 टोटल नंबर बता रहा है कि इकतीस अक्टूबर दो तक लगभग लगभग के चलो आप निन्यानवे परसेंट भारत की जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसके पास में आधार कार्ड था ठीक है आधार नंबर था चलिए ये हो गया क्लियर है समझ में आया पूरा टॉपिक दोस्तों मूडी ने आरोप लगाए भारत ने जवाब दिया उसका और फिर हमने कहा कि ये क्यों महत्व तो है आधार कार्ड वो मैंने बताया क्योंकि हर चीज में आधार लगता है और अभी छोड़ दो यार अपने में सोचते हैं कि क्या कमी है वो भी मैंने बताई कि आधार में अभी इशू क्या आते हैं ठीक है अब दोस्तों कैक के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहिए कंट्रोलर कंट्रोल एंड और ऑड डी जनरल वैसे तो पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ मैं ठीक है पॉलिटी में इसको डिस्कस करा दूंगा मैं इसके अलावा बाल आधार इनिशिएटिव क्या है एक नई चीज है बाल आधार इनिशिएटिव ये क्या है वीरेंद्र सिंह सर जी आपकी क्लास यू पी के लिए मेडिसिन मेड, मेडिसिन है वही अभिषेक सर की क्लास थैंक यू यार वीरेंद्र सिंह थैंक यू यार बहुत बहुत धन्यवाद ये चीज़ें हैं यार जो हमें मोटिवेट करती है ट्रस्ट में यार ठीक है मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ें हमें बहुत मोटिवेट करती है बहुत कल रात को मैं और अभिषेक सर हम एक जूम कॉल से बात कर रहे थे ठीक है बारह मैं खाना खा के कल रात में मेरा डिनर कितने बजे हुआ था बताया आपको बारह बज के ग्यारह मिनट पर मेरे को याद है मैं खाना खा के आया ठीक है बाहर से खाया था कल तो मैं घर पहुंचा उसके बाद में हमने साढ़े बारह बजे जूम कॉल इनिशिएट की फिर हमने एक नया प्रोग्राम बनाया कि भाई जितने भी हमारे डिटोरियल होते हैं और जो करंट अफेयर के बड़े टॉपिक होते हैं ठीक है तो उनके लिए हम ये बनाएंगे आपका माइंड मैप आप बनाएंगे और आपको देंगे ठीक है इससे क्या होगा आपके लिए चीज़ों को रिवाइज़ करना आसान हो जाएगा कलम इसी पे बात कर रहे थे तो हम उस पर डिस्कशन किया आगे क्या करना है कैसे करना है ठीक है नए टीचर ले ना लें उनके ऊपर तो रात में ऑलमोस्ट दो ढाई बज गए थे ढाई बज गए थे ऐसे इसी चीज़ में उसके बाद में क्योंकि सुबह ये काम सारा काम सुबह नहीं होता करंट अफेयर का ठीक है आप देख रहे हो आज कम से कम एक सौ तीस लाइड है एक दो टॉपिक रात में बनाए फिर नींद आने लगी फिर सोए सुबह मैं जब उठा तो हालत ऐसी थी मेरी जैसे लकड़ी मार मार के किसी ने पूरा शरीर तोड़ रखा हो एक बार तो मैं सोच रहा था कि यार शाम में करते हैं यार बट फिर मैं उठा यार हिम्मत मार के कि नहीं यार काम करते हैं फिर काम किया सारा का सारा तो ये जो आपकी कमेंट है ना इस प्रकार जो आप करते हो जो अप्रिशिएट करते हो इसीलिए जो वीडियो को लाइक शेयर करते हो जिस प्रकार से आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हो प्यार दे रहे हो बस ये हमारे लिए भी एक मेडिसिन है यार ठीक है ट्रस्ट मी इससे हम भी मोटिवेट होते हैं कि यार कैसे अच्छा काम किया जाए तो कैग के बारे में बात करना है कंट्रोल जनरल बाल आधार इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे प्री प्री के के लिए लिए सर सर क्या क्या जरूरी है है सबसे पहले आधार इनिशिएटिव बेनिफिट इसकी कमियां और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है ठीक है प्रिलिम्स के लिए अबाउट आधार बेनिफिट यूआईडी मूडी ने क्या कह दिया गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्स है ये सब थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए आगे जाके मेन्स में भी हम इसको लिख सके अब आते हैं दोस्तों मेन्स का सवाल हाउ डज इंडिया क्लाइमेट इंपैक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ आधार बायोमेट्रिक एंड वट आर द पोटेंशियल चैलेंज और इशूज दैट अराइज फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग द यूज ऑफ बायोमेट्रिक डेटा इन आधार सिस्टम कितना बढ़िया सवाल है यार देखो भारत की जलवायु से मैंने आधार कार्ड को जोड़ दिया है कि भारत की जलवायु आधार बायोमेट्रिक की विश्वसनीयता को कैसे प्रभावित करती है भैया और आधार प्रणाली में बायोमेट्रिक डेटा के उपयोग को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों से उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियां या मुद्दे क्या हैं ठीक है दिस इज अ क्वेश्चन कितना बढ़िया सवाल है दोस्तों यू कैन इमेजिन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है सो so, यहां से आप ये कर सकते हो कि किस प्रकार से क्लाइमेट इंपैक्ट करता है आधार रिलायबिलिटी को इससे क्या खतरे हो सकते हैं दोस्तों ठीक है क्या इससे प्रॉब्लम हो सकते हैं दोस्तों ये आपको डिस्कस करने हैं डन अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपसपा ठीक है आपसपा यानी कि जो आर्मी को स्पेशल पावर हम देते हैं आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ठीक है आर्मी जो है हमारी ये पहली बार उन्नीस में लागू हुआ था नाइनटीन में ठीक है पार्लियामेंट ने बिल पास किया था और इसको लागू कर दिया गया था राष्ट्रपति के ऑर्डर से पहले समझो आपसपा होता क्या है ठीक है एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्टर्ब एरिया डिस्टर्ब एरिया जो होता है ये दो तीन लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कौन करता है गवर्नर यहां कौन करता है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट और तीसरा जो है इसमें वो कौन होता है दोस्तों जो यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना वो ठीक है या लेफ्टिनेंट गवर्नर तो आप समझिए डिस्टर्ब एरिया मतलब एक ऐसा एरिया जो डिस्टर्ब है किसी भी कारण से हो सकता है कोई भी ठीक है परमानेंट या नॉन परमानेंट कोई भी कारण उसमें हो सकता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है स्पेशली भारत का और जम्मू एंड कश्मीर ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कुछ हमारे सामने सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम आर्मीज को वहां भेजते हैं अपनी सेना को भेजते हैं अब कह रहे हैं कि इन प्रकार के स्पेशल सरकम में हमें सेना को स्पेशल पावर देनी पड़ती है जैसे किसी आदमी पे शक है लगातार तो उसको क्या करो बिना वारंट के गिरफ्तार करो अरेस्ट करो कस्टडी में ले लो पांच से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा मत होने दो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया डिस्टर्ब एरिया के अंदर अगर कोई होता है तो उनको अरेस्ट करो ठीक है उनको वार्निंग दो अगर वो वार्निंग पे नहीं जाते हैं तो आप फायर कर दो कोई दिक्कत नहीं है अगर उनके पास आर्म्स हैं हथियार हैं ठीक है तो आप फायरिंग कर सकते हो ये अधिकार किसको दिए गए दोस्तों आपसपा के अंदर में आर्म आर्मी को आर्म आर्म फोर्सेज को क्यों दिए गए आम फोर्सेस को कि उनको कहा गया भाई हम भी तो आदमी हैं इंसान है जब हम इस प्रकार की इस मुश्किल कंडीशंस के अंदर में काम करते हैं तो हमें कुछ राइट्स चाहिए तो वो राइट्स इनको दिए जाते हैं बट समय समय पर दोस्तों इन राइट्स का जो है कह दो दुरुपयोग भी कुछ फ्रिंज एलिमेंट तो खैर हर जगह होते हैं बट मैं क्या कहूँगा कि इन राइट्स को अलग अलग लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनका मानना है कि इन राइट्स के बाद जो है आर्मी वाले ह्यूमन राइट का वायलेशन करते हैं तो अलग अलग जगह पे इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था अब पिछले काफी समय से दोस्तों लगातार अगर आप देखोगे तो सरकार जो आपसपा के अंदर में जो एरिया है उसको रिड्यूस करती आ रही है खत्म करती आ रही है कम 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 ठीक है अब लेकिन अभी उन्होंने क्या किया अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अंदर ठीक है नागालैंड के अंदर में तो पूरे में आपसपा लगा रहता है अरुणाचल प्रदेश में भी लगा रहता है ठीक है तो उसी आपसपा को अब फर्दर एक्सपैंड कर दिया है कहां पर दोस्तों एक तो नागालैंड के अंदर और दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर यही हमारी न्यूज है सेंटर एक्सटेंड इन द पार्ट ऑफ नागालैंड अरुणाचल प्रदेश के अंदर में यार इसको कर दिया, गया, कर दिया गया तो दोस्तों पेपर तीन का मुद्दा है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड मैंडेट ठीक है पेपर तीन में आता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अंदर में फोर्ड छः महीनों के लिए और बढ़ा दिया और ये छे महीने स्टार्ट हो अक्टूबर एक से अप्रैल एक दो से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने मैंने बताया था कई सारे एरिया में से इसको हटाया था जैसे अगर हम बात करें असम में से हटाया था मणिपुर नागालैंड के कई एरिया में से इसको हटाया था आपसपा जो है उन्नीस से लगभग लगभग आप मान के चलो पूरे के पूरे नागालैंड के अंदर में था ठीक है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो हैं वो आपसपा के आपसपा की नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हमारा जो गृह मंत्रालय है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिए आपसपा का विस्तार करने के लिए समय समय पर उसको अशांत क्षेत्र अधिसूचना जारी करता रहता है समय समय पर कि नागालैंड के अंदर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर में उसको जो आपसपा है उसको एक्सटेंड करने के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन जारी करता रहता है दोस्तों जब नोटिफिकेशन जो है मणिपुर में ये देखना अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में केंद्र सरकार करती है मणिपुर असम के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट करती है त्रिपुरा में से हमने इसको हटा दिया 2015 में त्रिपुरा में से हमने इसको हटा लिया मेघालय जो है उसको भी 27 साल पहले आपसपा के अंदर रखा गया था उसको भी हटा दिया गया अप्रैल एक दो को उसको भी हटा दिया गया ठीक है अब ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है क्या दोस्तों मैंने बताया 1958 में पार्लियामेंट ने ये कानून पास किया था और राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी थी, थी दोस्तों इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी आर्मी है ठीक है आर्म्ड फोर्सेस है जैसे नेवी एयर फोर्स ठीक है हम मिलिट्री सब की बात कर रहे हैं दोस्तों जो जब काम करती है ठीक है जब वो किसी ऐसे हॉस्टाइल एरिया में डिस्टर्ब्ड एरिया में जाके काम करती है दोस्तों ठीक है बाकी की फोर्सेज भी हो सकती जैसे है जैसे सी आर पी एफ है ना तो भैया इनको क्या करना पड़ता है जब डिस्टर्ब्ड एरिया में जाके काम करना होता है तो इनको बहुत सारे प्रोएक्टिव ऑपरेशन करने पड़ते हैं इंसर्जेंट के अगेंस्ट में हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में तो ऐसे में इनको कुछ स्पेशल और विशेष पावर दी जाती है उसी को हम कहते हैं आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर और उसके लिए एक्ट ये पास किया गया था दोस्तों दे हैव अथॉरिटी टू प्रोहिबिट अ गैदरिंग ऑफ फाइव एंड मोर पर्सन एक एरिया में जो डिस्टर्ब एरिया है पांच या पांच से अधिक लोगों को इकट्ठा नहीं होने देंगे समझ में आ रही बात दोस्तों आपसपा इन ऑल्सो फोर्स इन दर नागालैंड सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मोस्ट पार्ट ऑफ मणिपुर बेरिंग द इम्फाल म्यूनसिपल एरिया पावर क्या दी जाती है उसको मैंने बताया कि अगर पांच या पांच से ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं एक एरिया में ठीक है तो फिर आर्मी फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है पहले वार्निंग देगी अगर वो नहीं जाते हैं तो आर्मी जो है वहां पर गोली चला सकती है समझ में आ रही बात दोस्तों अगर आर्मी को लग रहा है कि ये कानून के अगेंस्ट में जा रहे हैं तो दूसरा अगर रीजनेबल सस्पेशन एग्जिस्ट करता है अगर शक है आर्मी को अगर शक है तो बिना किसी वारंट के यार वो किसी को भी हिरासत में ले सकते हैं किसी को भी क्या कर सकते हैं दोस्तों गिरफ्तार कर सकते हैं कहां की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं आपका वी आर टॉकिंग अबाउट बताइए किसकी बात कर रहे हैं हम डन है ये भी यहीं पर है ओके इसके अलावा एनी पर्सन अरेस्टेड और टेकन इन टू कस्टडी जब किसी व्यक्ति को मान लो चलो अरेस्ट कर लिया कस्टडी में ले लिया तो क्या आर्मी अपने पास रखेगी नहीं भाई आर्मी क्या करती है फिर जो उस एरिया का जो लोकल पुलिस स्टेशन है ना उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है उसको उस ऑफिसर को ठीक है डिस्टर्ब एरिया क्या होता है दोस्तों डिस्टर्ब एरिया वो होता है जिसको आपसपा के सेक्शन तीन के तहत में नोटिफिकेशन दे के डिक्लेयर किया जाता है एन एरिया कैन बी डिस्टर्ब ड्यू टू द डिफ्रेंसेज और डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर ऑफ़ डिफरेंट रिलीजन अब कोई एरिया डिस्टर्ब कैसे हो सकता है हो सकता है अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में विवाद चल रहा हो ठीक है अलग अलग रेस के लोगों के या भाषा के लोगों के बीच में विवाद चल रहा हो कास्ट कम्यूनिटी तो उससे कोई भी एरिया डिस्टर्ब एरिया हो सकता है किसके पास पावर होती है किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करने का तो सेक्शन तीन के तहत केंद्र सरकार कर सकती है गवर्नर कर सकता है और यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो भी कर सकता है ठीक है चलिए अब इससे सवाल जो इम्पोर्टेंट आता है दोस्तों वो नागा इंसर्जेंसी और सी के बारे में सी लगातार जो है सी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सी ए पी एफ ये क्या होती है तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा करना है मेनली तो नागालैंड के अंदर में इंसर्जेंसी जो है इसके बारे में देखिएगा हिस्ट्री क्या है नागालैंड के अंदर इंसर्जेंसी की दिस इज़ इंपॉर्टेंट ठीक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सो लेट डिस्कस दिस टॉपिक रिलेटेड सर्च के अंदर में इसको आपको ध्यान देना है ठीक है इसके अलावा आपसपा क्या है प्रलिम्स के अंदर सर आपसपा आपसे पूछा सकता है व्हाट इज दिस आपसपा प्रोविजन कौन कौन से आपसपा के अंदर में क्या क्या प्रावधान आते हैं ठीक है आज के टाइम पे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो आपसपा के अंडर में कवर हैं हु हैज पावर टू डिक्लेयर इट किसको के पास पावर होता है अधिकार होता है कि आप आपसपा के अंदर में कुछ भी डिक्लेयर करो एंड पावर गिवन टू द आर्म्ड फोर्सेज आर्म फोर्सेज को इसके तहत में क्या क्या पावर दी जाती है अब मेन्स के टॉपिक पे आते हैं ठीक है मेंस में क्या है दोस्तों व्हाट आर द की आर्ग्यूमेंट्स फॉर फॉर एंड अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इन जोन एंड इंपैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन सिक्योरिटी बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों क्या संघर्ष क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम के कार्यान्वयन के पक्ष और विपक्ष में प्रमुख तर्क दीजिए और यह सुरक्षा बलों और स्थानीय आबादी के बीच संबंधों को कैसे प्रभावित करता है ठीक है की आर्ग्यूमेंट देनी है आपको दोस्तों ठीक है आर्ग्यूमेंट देनी है आपको आपसपा के सपोर्ट में और आपसपा के अगेंस्ट में और आपको बताना है कि आपसपा से वहां के जो स्थानीय लोग हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच के जो संबंध है वो किस प्रकार से प्रभावित हुए हैं ठीक है दिस इज दैट टॉपिक ठीक है आगे बढ़ते हैं वेलफेयर फॉर ट्रांसजेंडर ये टॉपिक आया हुआ है देखो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसने एक एडवाइजरी जारी की है किसके लिए ट्रांस पर्सन के लिए ट्रांस पर्सन कौन कौन होता है दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो जब उसका जन्म हुआ है उस टाइम पे जो उसका जेंडर था बाद में वो जेंडर अब उस उस जेंडर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता ठीक है भाई मान लो बर्थ के टाइम पे वो लड़का था लेकिन बाद में उसमें लड़की के ट्रेट्स आते हैं तो उसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं ठीक है जो बर्थ के टाइम पे जो जेंडर था वो बाद में अपने आप को उस आइडेंटिफाई नहीं करता उसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं दोस्तों तो एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एडवाइजरी जारी की है सरकार को कि ट्रांसपर्सन के रिगार्डिंग ठीक है कि उनके लिए सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए उनको पेंशन के अधिकार मिलने चाहिए ठीक है अगर वो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कराना चाहते हैं तो वो भी उनकी फ्री में होनी चाहिए ये सब बातें हुई हैं तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है हमारे उन्होंने एक एडवाइजरी इशू की है ताकि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनका वेलफेयर हो सके ये जो एडवाइजरी है ये गी है इट वाज गिवन टू द सेंटर सेंटर गवर्नमेंट को दी गई है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सबको दी गई है अ सिंगल ट्रांस चाइल्ड ऑफ डिजीज बोला क्या गया दोस्तों मान लो कोई सरकारी आदमी था सरकारी व्यक्ति था या किसी को पेंशन आती थी और उसका एकमात्र उस पेरेंट्स का उन पेरेंट्स का एकमात्र लड़का था लड़की था एकमात्र चाइल्ड था और मान के चलो वो ट्रांस चाइल्ड है ट्रांस पर्सन है तो उसको बेटी की तरह ट्रीट किया जाएगा माना जाएगा कि वो जो डिजीज पर्सन है उनकी बेटी थी और पेंशन और बाकी सुविधाओं के लिए उसको एक बेटी माना जाएगा डॉटर कंसीडर किया जाएगा अ सिंगल ट्रांस चाइल्ड इज ऑफ द डिजीज गवर्नमेंट एम्प्लॉई और पेंशनर मे वी ट्रीटेड एज द अनमेरिड डॉटर उसको क्या कंसिडर किया जाएगा अनमैरिड डॉटर ऑफ द फैमिली किसके लिए फैमिली पेंशन के लिए और बाकी बेनिफिट्स के लिए ट्रांसजेंडर पर्सन जो है उनको अपनी जो एंसेस्ट्रल एग्रीकल्चर लैंड है वो उनके नाम की जाएगी ठीक है जो उनके माता पिता के पास जो जमीन थी वो उनको जो है दे दी जाएगी ठीक है इसके अलावा मल्टीपर्पज़ आइडेंटिटी कार्ड इनको दिया जाएगा दोस्तों ताकि अलग अलग जो कम्युनिटी के अंदर में जो सर्विसेज चल रही हैं गवर्नमेंट स्कीम चल रही है उनका वो लाभ उनको मिल सके इंश्योरेंस कंपनियों को एडवाइस किया गया कि भैया आप ट्रांसजेंडर जो सर्टिफिकेट सरकार के द्वारा इशू की जाती है आप उसका इस्तेमाल करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्पज के लिए मिनिस्ट्री को बोला गया कि भैया आप समय समय पर जो गरिमा गृह शेल्टर फंड स्कीम है उसमें फंड कम पड़ रहा है तो आप समय समय पर गरिमा गृह शेल्टर स्कीम के तहत फंड जो है वो अलॉट करें बोला गया है सेटिंग अप ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड ठीक है ये भी बोला गया है कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड जो है सेक्शन दस ए के तहत में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट रूल दो हजार बीस के तहत में इसको भी आप स्टैब्लिश establish करो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल अंडर द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और हिज और हिज नॉमिनी इन द स्टेट टू मॉनिटर द केसेज ऑफ ऑफेंसिस अगेंस्ट द ट्रांस पर्सन है ना एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाओ अलग से जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी के अंडर में काम करेगी इसका काम होगा कि उस एरिया के अंदर में ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट में कितने क्राइम हो रहे हैं उनको रजिस्टर करना इस बिल भी था ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट बिल 2020 हम लेके आए थे तो इसमें हमने पहले तो ट्रांसजेंडर पर्सन को हमने बताया कौन है तो एक ऐसा व्यक्ति जो बर्थ के टाइम पे जो उसका जेंडर था उससे अब वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता उससे वो मैच नहीं कर पाता इसमें ट्रांसमैन ट्रांस, ट्रांस वुमेन ठीक है या पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशन जेंडर क्वीर पर्सन विद द सोशो कल्चरल आइडेंटिटी जैसा जैसा स्किनर एंड हिजरा ये सारे लोग जो हैं इसके अंदर में शामिल होते हैं ये डेफिनेशन है दोस्तों किसकी ट्रांसजेंडर पर्सन की सर्टिफिकेट दिया जाता है इनको ठीक है कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डी के पास जाके ठीक है अपनी आइडेंटिटी के लिए आप एक आइडेंटिटी कार्ड जो है वो सर्टिफिकेट जो है वहां से ले सकता है ठीक है समझ में आए कि वो ट्रांसजेंडर है गरिमा ग्रह सेल्टर स्कीम क्या है सर अभी मैंने बताया इसके लिए फंड कम पड़ रहे हैं तो डायरेक्शन हुए हैं तो गरिमा ग्रह फंड समझिए शेल्टर होम पहला शेल्टर होम खोला गया है कहाँ पर दोस्तों गुजरात के वडोदरा के अंदर बेसिकली जैसे अरे होता है ना शेल्टर होम जैसे बच्चों के लिए होता है बूढ़ों के लिए होता है वृद्धाश्रम ये उसी प्रकार का है बट दिस इज फॉर दी ट्रांसजेंडर पर्सन इट इज डन इन कोलैबोरेशन विद द लक्ष्य ट्रस्ट ए कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मैनेज एंटायरली बाय द ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल ठीक है ये एक बेसिकली कोलाबरेटिव कोलाब्रेशन के बाद लक्ष्य ट्रस्ट के बाद लक्ष्य ट्रस्ट ने इसको बनाया था इस, इस हमारे शेल्टर होम को और ये चल रहा है अभी देश में ठीक है ये शेल्टर होम ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए उनको कई प्रकार की सर्विसेज देता है रहना वहाँ के खाना कपड़े ये सारी चीज़ें रिक्रिएशनल एक्टिविटी उनको कोई चीज सिखाना फिट फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम ठीक है पढ़ना है तो लाइब्रेरी लीगल असिस्टेंस कोई केस वेस चल रहा है तो टेक्निकल गाइडेंस सारी चीज़ों की यहाँ पर जो है सुविधाएं उनको दी जाती है किनको दोस्तों ट्रांसजेंडर को ठीक है दोस्तों समझ में आ रहा है बात एज अ पार्ट ऑफ स्कीम मिनिस्ट्री एम्स टू अ मिनिमम ट्वेंटी फाइव ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स इन ईच ऑफ द डेजिग्नेटेड होम कि हर ऐसे होम में गरिमा ग्रह होम में कम से कम पच्चीस ट्रांसजेंडर जो है उनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए ये हमने ऐसा टारगेट बनाया हुआ है ये हम टारगेट बना के चल रहे हैं ठीक है अगली बात करते हैं दोस्तों हमारा साइक मिशन अभी आपको मैंने बताया था ऑसिरिस रेक्स के बारे में ऑसिरिस ऑसि था ना ऑसरिक्स रेक्स था ऑसिरीस था हा ऑसिरिस रेक्स मिशन अभी ये मिशन था इंटरप्लानटरी मिशन था रोबोटिक मिशन था ये हमारे अर्थ के पास जो नियर अर्थ ऑर्बिट है बेनू नियर अर्थ एस्टेरॉयड है बेनू उससे ये सैंपल लेके आया अभी नासा का था और उसने उटा डेजर्ट के अंदर में वो सैंपल जो है वो ड्रॉप कर दिए हैं अब इन सैंपल से हमें पता चलेगा क्योंकि ये जो बेनू एस्टेरायड है ये उस टाइम पर बना जब धरती बनी थी तो इससे हमें सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और धरती के बारे में धरती पे लाइफ कैसे आई वो सब पता चलेगा उस पर एक शॉर्ट भी हमने किया था अब हम बात करते हैं साइक मिशन की ये दूसरा मिशन है शॉर्ट्स में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आजकल हम दे रहे हैं तो प्लीज एक बार आप उसको कंसिडर कीजिएगा साइक मिशन की हम बात करते हैं दोस्तों तो ओसिरिक्स मिशन के बाद अब दूसरा मिशन भेजा जा रहा है साइक ये साइक मिशन क्या करेगा जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टीरोइड बेल्ट है वहां पर एक एस्टीरोइड है शुद्ध ग्रह है जो सूरज के चारों ओर चक्कर काट रहा है वो जो एस्टीरोड है ना उसकी कोर निकल और उससे बनी है ठीक है निक आ, आ, सियाल सीमा निफे निकिल और आयरन से जैसे धरती की कोर है ना निकिल और आयरन से ऐसे बनी है उसकी ठीक है उसको बोल रहा है कि वो जो पूरा का पूरा एस्टीरोड है वो प्लान्टमल से बना हुआ है ठीक है प्लान्टमल से बना हुआ है मतलब उन्हीं चीजों से बना हुआ है जिनसे हमारे ग्रह बनते हैं जिससे हमारी धरती बनी हुई है तो अब उसकी स्टडी के लिए साइक मिशन भेजा जा रहा है ठीक है एस्टीरॉइड को पढ़ेगा और यह एस्टीरोयड मार्स और जुपिटर के बीच में लाई करता है इससे उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका उद्देश्य यही है कि इससे हमें धरती के बारे में पता चले कि धरती कैसे ओरिजिनेट हुई एक और इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें कर रहे हैं कि वहां से ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो हम स्थापित कर पाएंगे वहां से यहाँ तक धरती तक तो वो भी हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे इसके माध्यम से नासा ने साइक मिशन लॉन्च किया है

एंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहा है एक शुद्र ग्रह मार्स और जुबिटर उसकी उसकी स्टडी करेगा ठीक है ये जो पूरा टाइम है इसमें छः साल का टाइम लेगा ये और ऊपर से ये जैसे साइ ऑसिस् सा, रेक्स तो क्या है वो उस एस्टीरोइड पर लैंड किया वहाँ से उसने सैंपल कलेक्ट किए उसको माइन किया खोद के लेके आया वो बट इसमें ऐसा नहीं करने वाले हम उसकी कक्षा में रख के उसके ऑर्बिट में रख के उसको ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे ये तीन दशमलव छः बिलियन किलोमीटर दूर है वहाँ जाएगा और लगभग लगभग इसको छः साल लगने वाले हैं दोस्तों ठीक है अब ये शुद्र ग्रह जरूरी क्यों है दोस्तों क्योंकि कह रहा है कि इसकी जो कोर है ना वो आयरन और निकिल से बनी है निफे से बनी है और इसी से तो धरती की कोर बनी है तो कह रहा है कि इससे फिर धरती के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा कि पृथ्वी की कोर कैसे बनी है है ना अब पृथ्वी की कोर तक तो आप पहुंच नहीं सकते ऑब्वियस ही बात है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है बट कह रहा है इसको हम स्टडी करके आ जाएंगे ना तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा ठीक है ये एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है दोस्तों जो हमारी अर्ली सोलर सिस्टम कैसे डेवलप हुआ किस प्रकार से हमारा प्लेनेट बना उसके बारे में हमें जानकारी देगा दोस्तों ठीक है तो एक तो ये तो है ही साथ साथ हम एक और चीज इससे टेस्ट कर रहे हैं नासा अपना डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट भी इसके माध्यम से करेगा ठीक है अभी क्या है डीप स्पेस ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों इट इज अपेस्टिकेटेड न्यू लेजर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये क्या करेगा वहां से डेटा भेजेगा डीप सी से डीप आग 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 आपका क्या बोलते हैं उसको डीप स्पेस से डेटा भेजेगा तो इसमें क्या किया जाएगा जो डेटा वहां से वो गैदर करेगा ना उसको फोटोन में वो कन्वर्ट करेगा नियर इंफ्रा वेवलेंथ में यूजुअली हम उसको रेडियो वेव में कन्वर्ट करते हैं बट इस बार ये उसको फोटोन में कन्वर्ट करके इंफ्रा रेड के वेव के ऊपर उसको फोटोन में कन्वर्ट करेगा और तब धरती पे भेजेगा अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो एक नई प्रकार की टेक्नोलॉजी जो है ये आ जाएगी हमारे पास ठीक है हम इसमें लाइट को यूज करेंगे इंस्टीट ऑफ रेडियो वेव्स एंड स्पेस क्राफ्ट टू कम्युनिकेट मोर डेटा इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम इससे क्या होगा ज्यादा डेटा हमारे पास पहुंच पाएगा तो ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको नासा इस बार टेस्ट कर रहा है अगला टॉपिक है दोस्तों हमारे पास दिस इज अबाउट द गैलेक्टिक टाइड गैलेक्टिक टाइड क्या होता है दोस्तों जैसे समुद्र के अंदर में जवार भाटे आते हैं ना ऐसे गैलेक्सीज के अंदर हमारी आकाश गंगा के अंदर में भी जवार भाटे आते हैं हमारे यूनिवर्स में इसी प्रकार के जवार भाटे आते हैं ठीक है अब इंडिया धरती पे हम उसको बोलते हैं टाइड्स लेकिन पूरी गैलेक्सीज में आते हैं तो उनको हम बोलते हैं गैलेक्टिक टाइड ठीक है क्या बोलते हैं गैलेक्टिक टाइड ये जो गैलेक्टिक टाइड्स होते हैं ना दोस्तों ये किसी भी गैलेक्सी स्टार फॉर्मेशन को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करते हैं ठीक है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं तो उसी के बारे में आया हुआ है ठीक है आपका देखोगे तो ये हिंदू में है गैलेक्टिक टाइड पुशिंग एंड पुलिंग द हीवंस ठीक है इसके बारे में है तो कह रहा है कि जैसे अर्थ के ओशन में टाइड आता है ना इसी प्रकार यूनिवर्स की जो गैलेक्सीज है उनमें भी टाइड आता है बट वो टाइड बहुत बड़ा होता है बहुत बड़े स्केल पर आता है गैलेक्टिक टाइड किसकी वजह से आता है दोस्तों हमारे यहां किसकी वजह से आता है टाइड बताओ समुद्र में चंद्रमा के गुरुत्वाक्षण बल से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाक्षण बल से सिमिलरली यहां पर गैलेक्टिक टाइड किसकी वजह से आता होगा सोच के देखो ऑब्वियस सी बात है सर ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग अलग गैलेक्सीज ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं उसमें जितने सेलेस्टियल बॉडी है खगोलीय पिंड है वो एक दूसरे के ऊपर में गुरुत्वाक्षण बल लगाते हैं और उन्हीं गुरुत्वाक्षण बल की वजह से ऐसा होता है दोस्तों ठीक है इसके इम्पैक्ट क्या है सर इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे ये जो टाइडल फोर्स है दोस्तों ये गैलेक्सीज़ के जो इवोल्यूशन है जो गैलेक्सीज़ हैं हमारी आकाशगंगा है वो बन रही है उसके विभिन्न विकास के पहलुओं को वो प्रभावित करते हैं दे कैन रीशेप अ गैलेक्सी स्ट्रक्चर माना जा रहा है दोस्तों कि इससे पूरी की पूरी जो गैलेक्सी है उसका स्ट्रक्चर जो है वो आ, उसको रीशेप कर सकते हैं टाइडल टेल बनाते हैं ब्रिज बनाते हैं स्टार फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं जो छोटे छोटे स्टार है ऑलरेडी जो पुराना स्टार है स्मॉलर स्टार है उनको एक खत्म कर देते हैं डिसरप्ट कर देते हैं गैलेक्टिक टाइड ऑल्सो डिसरप्ट द ऑर्बिट ऑफ स्टार कई स्टार जिस जगह पे ऑर्बिट कर रहे हैं उसको पूरे के पूरे डिस्ट्रप्ट कर देते हैं ठीक है तो गैलेक्टिक स्टार से बहुत कुछ बिगड़ता है गैलेक्टिक टाइड जो है दे हैव आल्सो से इन द वेव इन द वेज इन विच द प्रोक्सीमेट गैलेक्सीज डू एंड डू नॉट इंटरेक्ट जैसे अभी हमारे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी के सबसे पास है कौन सी एड्रोमीडा तो आपको पता है दोस्तों आपसे कुछ बिलियन टाइम के बाद में हमारी गैलेक्सी और एड्रोमीडा गैलेक्सी आपस में कोलाइड कर जाएगी है ना पता आपको है आपको ये नहीं पता पता होगा ठीक है तो वो जो गैलेक्सी आपस में इंटरेक्ट करती है उसमें भी गैलेक्टिक टाइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है दोस्तों ठीक है हमारी क्लोजेस्ट गैलेक्सी है मिल्की मिल्की वे वे के वो कौन सी है दोस्तों आपका एंड इट इज फाउंड दैट टाइडल स्ट्रीम्स नियर इट्स एज कुड बी सिग्नेचर ऑफ गैलेक्सीज दैट वर लेटर डिवाउ एड्रोमीडा गैलेक्सी अभी हमारी तरफ बढ़ रही है 110 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से और अब कई लोग डर गएंगे सर हम तो मर जाएं अरे अभी कुछ नहीं हो रहा अभी लगभग लगभग चार बिलियन साल लगेंगे फोर बिलियन ईयर इसमें लगेंगे ठीक है गैलेक्टिक टाइड जो होते हैं इनका ब्लैक होल्स के अंदर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों ब्लैक होल्स जो होते हैं इनको कॉस्मिक बीस्ट कहते हैं दानव कहते हैं ब्रह्मांड के ये किसी भी चीज़ को निकल सकते हैं इवन लाइट भी इनको पास नहीं कर सकती एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो गैलेक्टिक टाइड है वो बहुत क्रूशियल होते हैं इसी से हम जो कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशन है गैलेक्सीज का कॉस्मिकल टाइम्स का उसके बारे में हम जानकारी जुटाते हैं ये था हमारा दोस्तों आज का करंट अफेयर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव था इसीलिए थोड़ा सा बड़ी क्लास हमारी हुई है ना बट यकीन मानिए दोस्तों आपने सही जमे समय इन्वेस्ट किया है गलत जगह नहीं किया है ठीक है इसकी पी डी एफ में अभी दे दूंगा कल वाले की भी पी डी एफ देनी है मुझे तो दोनों की पी डी एफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अभी ठीक है आप उसको डाउनलोड कर लेना जिसको नोट्स बनाने हैं नोट्स बना लेना जैसा जो करना है वो आप कर सकते हो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करके जाऊंगा मैं देखो आज कंपेरेटिवली आप लोग की संख्या अधिक थी बट आप लोगों ने लाइक नहीं किया ठीक है जिन्होंने अभी लाइक नहीं किया उनसे मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दें अगर आप सभी लाइक करते हो तो मुझे पूरा विश्वास है हम फाइव लाइक्स का टारगेट ईजिली अचीव कर सकते हैं बट मैं ज्यादा इसीलिए बोलता नहीं हूँ फिर आप लोग इरीटेट हो जाते हो बट कर दिया करो यार वीडियो को लाइक है ना ये टेलीग्राम चैनल है पी और हमारी आपकी बातचीत अभी के लिए इसी चैनल पर होती है ये रहा द सुमित राठी ऑफिशियल दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है जो पर्सनली बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं दे कैन फॉलो मी इन द इंस्टाग्राम सुमित डॉट राठी जीरो थ्री और वो है एट द रेट सुमित राठी ऑफिशियल कमेंट बॉक्स में भी लगा हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा हुआ है ठीक है अब उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ठीक है और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरे अपने स्टूडेंट से दिल से दिल की बात है जो अभी देख रहे हैं उनसे भी और जो बाद में देख रहे हैं वो अभी भी अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है मैं आपके डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत भागीदार बन रहा हूँ थोड़ा बहुत योगदान दे रहा हूँ तो दोस्तों प्लीज़ आप एक कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा नहीं आप लिख दीजिएगा सर थैंक यू ओके की रिपोर्ट है कुछ भी आप लिख दीजिएगा और अच्छा लगा अगर आपके पास है एक मिनट मेरे लिए कि अगर मैंने ये नब्बे मिनट का सेशन या नब्बे से ज्यादा का किया है पचानवे मिनट का सेशन किया है और अगर आप इस सेशन में एक मिनट निकाल के अगर आप मेरे लिए एक अच्छी बात लिख सको तो मैं आपसे आपका आभारी रहूंगा दोस्तों और यकीन मानिएगा दोस्तों ये जो आपकी कमेंट है ये हमें और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे ठीक है सो ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग द सेशन अभी अभिषेक से सर की क्लास होगी दिन में, में मेरी क्लासेज होंगी सो मिलते हैं अपनी दोस्तों नेक्स्ट क्लासेज में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय जय हिंद दोस्तों